लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। शुगर बाप रे। अरे क्या हुआ भाई? बदमाश। बदमाश क्या? बच्चे 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 चॉकलेट। अरे थोड़ा खुलकर समझाओ ना। पानी, पानी। अभी लाती हूँ अंकल। पानी ले लो। क्या हुआ भाई साहब? अरे सावित्री पहले आराम से पानी तो पीने दो। कुछ नहीं भाई, आज अंजलि के जन्मदिन है ना, तो पहले हम मंदिर जाकर फिर अच्छी से पार्टी करेंगे ऐसा सोचा था। आइडिया मेरा और डिसीजन इसका था। वो तो हमें पता है ना। नहीं 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 आज होटल में नहीं, गरीब बच्चों को चॉकलेट बांटने के लिए बोली थी ये। वेरी गुड, ये तो और भी अच्छी बात है। तो बांटो। ए लो बच्चों आ जाओ, ये लो चॉकलेट ले लो। चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। अरे मुझे दो ना दीदी, मुझे दो। अरे देखो तो सही, चॉकलेट देकर बच्चों को उठाने वाले आए हैं। ये बच्चों को उठाने वाला आया है? अरे रामू, ए शंकर, अरे यहाँ अंजलि, यहाँ का माहौल बिगड़ रहा है। तो आप देख क्या रही हो? भागो। तुम्हारी शक्ल से उन्हें बच्चे चुराने वाले लगे होंगे। बेटी अंजलि तुम्हारे लिए गुड न्यूज़। चाचा जी तुम्हारे बर्थडे पर पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजने की तैयारी कर ली है, अगले महीने तुम्हें जाना है। नहीं चाचा जी, मैं नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के बिना अकेले नहीं रह पाऊंगी। मुझे भी ले जाना चाहती क्या? और नहीं तो क्या, मैं डैडी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है, लेकिन शादी के बाद जाना पड़ेगा। घर जमाई बना लेंगे। अगर वो नहीं बना तो? मैं लाऊंगा उसे। तो शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे शर्म क्यों आएगी भाई। सुनो बहन, थोड़ा मिर्ची कम डालोगी ना तो खाने में और मजा आएगा। हाँ क्या कहा? दामाद नहीं आया तो क्या, मैं खुद ही उसके घर घर ससुर बन के रह जाऊंगा। चलो देखते हैं कैसा दामाद मिलता है तुम्हें। लिया। ये ले तू भी पी। भैया मेरा हिस्सा ये ले पी। क्या आइडिया है भैया, सांप के बिल में पाइप लगाकर लोगों को बेवकूफ बना दिया। छोटू जब गणपति और नागराज दूध पी रहे थे तभी लोग बेवकूफ बन चुके थे, हमने तो सिर्फ बिल में पाइप लगाया। हेलो, रियल एस्टेट राम प्रसाद स्पीकिंग। क्या कहा? हैदराबाद से बोल रहे हो? बोलो बोलो। वॉट, तुम्हारी जगह पर चार मीनार है? मैंने खरीदा तब तो नहीं था, बाद में किसी ने बना दिया होगा। तुम एक काम करो, तुम चार मीनार को गोली मारो और मुंबई आ जाओ। और सुनो ना, यहाँ समंदर किनारे बहुत सी जमीन खाली पड़ी है। हाँ सारी जमीन खाली पड़ी है, आ जाओ जल्दी से। नागराज मुझे कैसे भी संतान प्राप्ति करो। संतान? दूध यहाँ डालोगे तो तुम्हें बच्चे कैसे होंगे पुत्री? ये तुम अपने पति को पिलाओ, उसे एनर्जी मिलेगी, तुम्हें गर्भ मिलेगा। नागराज
मेरी बेटी के लिए ऐसा दूल्हा ढूंढ के दो जो दहेज ना ले, और मेरे बेटे को धन दौलत वाली बहू मिलनी चाहिए। हुँ? अम्बा जगदम्बा, दूध डालने के बाद अपनी प्रार्थना बताओ। माफ करना नागराज, नेक्स्ट स्पीकिंग। मेरे पति के सर पर बाल उगने चाहिए और उनका कोई दूसरा चक्कर मत रखना, नहीं तो सब कुछ आपको ही संभालना होगा नागराज। अरे यहाँ से तो एक पाइप गया हुआ है। तरीके भक्तों, इतने से दूध से इतनी प्रार्थना असंभव है। धोखा, पाप, चीटिंग, बिल में पाइप लगाता है तो क्या तेरे पेट में लगाऊं? सुनो, एक तो ये खुद पी रहा है, ऊपर से कुत्ते को भी पिला रहा है। उसे क्या कह रहा है? तुझसे तो अच्छा ये कुत्ता है, चुपचाप मुंह बंद रखेगा तो तेरे लिए अच्छा रहेगा, वरना मस्त बजाऊंगा तबला। हाँ, तुम तबला बजाओगे और हम हाथ जोड़ के भजन करेंगे। यहाँ डेरा डालने से पहले इसे भगा दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। वेरी गुड भाई, यहाँ सब लोग के घर है ना, लेकिन बिना घर के यहाँ कौन रहता है? तुम और तुम्हारा कुत्ता। करेक्ट, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? भगवान। इसलिए मैंने यहाँ डेरा डाला, हमारा खाना यहाँ, हमारा पीना यहाँ, ये मस्त लोकेशन ही हमारा घर है। अरे अरे, तेरे रहने और खाने के लिए इस मंदिर को तेरे बाप ने नहीं बनाया। हेलो हेलो, सॉरी, हेलो। हाँ तो मैं सोच रहा था विपक्षी पार्टी अभी तक आई क्यों नहीं, इस मंदिर को किसी के भी बाप ने क्यों ना बनाया हो, पर ये बेटा यहीं रहेगा। तुम जाकर रंगोली बनाकर घर में घुसी रहो, जाओ। सुबह सुबह इसके मुंह क्यों लग रही हो? काम धंधा तो करता नहीं, सिर्फ बकबक करता है। चलो ना माँ, चलो। करेक्ट, एकदम करेक्ट बोली बेटी। अरे बाप रे, तुम यहाँ क्यों आ गए? भगवान, हे बजरंग बली, हे हनुमान जी, हे राम भगवान, हे कृष्ण भगवान, मुझे बचा लो। ये क्या था भाई? मसाज था। मसाज था ये? हाँ। और ये क्या है? मसाज का दाम है। मसाज का दाम? अगर अगली बार कहा ना कि काम धंधे का नहीं हूँ तो मस्त बजाऊंगा। तबला ना राजू? यस करेक्ट। दिखाई नहीं देता क्या? इडियट कहेगा। मेरे पीछे कहाँ आ रहा है? मुझे बाथरूम अर्जेंट लगी मुझे है। काम चाहिए अर्जेंट, जहाँ भी जाओगे चलूंगा। तुझे काम दिला रहा था ना, तूने उसके मुंह पे चाय क्यों फेंकी? वो गालियां दे रहा था। गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? तू कोई भगवान है क्या? तेरे लिए मंत्र पढ़ेगा? तुझे इस जन्म में लेबर से ज्यादा काम नहीं मिलने वाला है। तो क्या सिक्योरिटी का काम भी नहीं मिलेगा? मतलब मेरी वाट लगाएगा? भाई सिक्योरिटी की जॉब होगी तो जॉब को सिक्योरिटी रहेगी, है ना? मेरे बाप, तुझे काम की जरूरत नहीं है, भगवान के लिए मुझे तू माफी कर दे, मैं चलता हूं। भाई 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 भाई, तुम्हारी कसम भाई, आगे से झगड़ा नहीं करूंगा भाई, प्रॉमिस। अभी मैं जाता हूं, मुझे अर्जेंट है। भाई वो कहना क्या उबला हुआ, तेरा काम कर। कुछ भी हेलो हेलो, मैं बसंत बोल रहा हूँ, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, इस समय मैं लेबोरेटरी के टॉयलेट पे हूँ, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे आप लोग करें भाई। हमारे भाई को इसी तरह भगाकर मारा था तेरे बाप ने। मतलब तुझे एक बार बोला ना बाजू आ गई। बेवजह चप्पल भी टूट गई, 20 रुपए का खर्चा। क्या हुआ भैया, अभी तक टैंक क्लियर नहीं हुआ क्या? ठीक है, प्रॉमिस कैंसिल, एक्सक्यूज मी, थैंक यू। मंदिर से चप्पल चुरानी पड़ेगी सर। अरे बसंत, अरे जल्दी आओ बाबूजी, वो सुबह मैं जॉगिंग कर रहा था। किसने तुझे सुबह सुबह जॉगिंग पर जाने के लिए कहा? वो ओलंपिक में मेडल जीतने वाला है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, किसी को भी साथ ले जा सकता था ना बाबा जी? आप थोड़ा क्या नहीं, इसे गाड़ी में बैठा। कौन है रे ये? त्यागी का छोटा भाई है। मेरे भाई को मरवा डाला, आपके पास कितनी वफादारी से काम कर रहा था। वफादारी का मतलब होता है पैरों के पास पड़े रहना, पैरों को काटना नहीं। हेलो बाबा जी, फोन है। हेलो, हाँ बोलिए। मैं देख लूंगा ना, मैंने कहा ना मैं देख लूंगा, फिक्र मत कीजिए। इस कुत्ते का क्या करना है? एक मिनट,
दोबारा चाकू ना पकड़ सके ऐसी हालत कर दो इसके। ठीक है। मेरे बेटे को किसने बचाया था रे? मैंने। ठीक कहा ना, हवा चली की तो अच्छा रहेगा, मुझे दो ना। ये तेरी तो है। ये खुद एक पतंग है, तुझे दूसरी पतंग किस लिए चाहिए? इसे ही धागा बांध के उड़ा। ठीका, क्या बात कही विपक्षी पार्टी ने। करेक्ट है, पतंग उड़ाने के लिए धागा चाहिए होता है, आदमी को जीने के लिए साथी चाहिए होता है। धागे से कैसे भी पतंग आसमान में उड़ती है, वैसे साथी का साथ हो तो कैसा भी बंदा जिंदगी में आगे निकल जाता है। केस ना हो तो बिल्डिंग भी नहीं टिकती है बेटा। केस के बिना तुमको टपका दूंगा बापू। अच्छा? हाँ, शकीरा की कसम। शकीरा वो कौन है बेटा? अरे शकीरा आपकी सेकंड सेटअप। सेकंड सेटअप मेरी होगी, मुझे तो पहले से ही। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ए, ये 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 यहाँ राजू कौन है? हेलो भाई, राजू मैं हूँ। बाबूजी ने तुम्हें बुलाया। हेलो भाई, वहाँ नहीं जाएगा, उसे जरूरत हो तो यहाँ आने के लिए बोलो। भाई ठंड रख छटू। कॉलोनी पीपल, आप समझ में आया मेरी रेंज क्या है? मेरे लिए कितनी गाड़ियाँ आई है देखो, 1 2 3 4 कार। भाई चलो एसी ऑन करके हम लोग मस्त चलते हैं। चलना रे बंटिया, चलना। अरे यार, सारी दुनिया ऐसी रहेगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हैं? ओए, भूख लग रही है, नाश्ता लेकर आ गया? ओए, ये क्या? पैसे देते वक्त जिस पोजीशन में था तब से अब तक तू उसी पोजीशन में खड़ा है, टिफिन लेकर नहीं आया? अंकल नहीं भैया। अब तुझे ये डाउट क्यों हुआ है बे? और नहीं तो क्या भैया, सुबह जाते जाते 10 के दो नोट हाथ में दिए, एक से पूरी और दूसरे से इडली लाने को कहा। किस से इडली लाऊं, किस से पूरी लाऊं, ये तो बताया ही नहीं। गलती तेरी नहीं है बेटा, इस दाएं हाथ के 10 रुपए से इडली लेकर आओ और इस बाएं हाथ के 10 रुपए से पूरी लेकर आ जा। अच्छा ये हुई ना बात, ऐसे पहले ही समझाना चाहिए था ना। होके बेखबर दुनिया में तू आ गया, होते हैं रोज ही गुनाह जुर्म तो यहाँ, जो भी आया यहाँ लौट के न वो गया, मारने वाला भी यहाँ पे तो मरा गया। सोच समझ के तू आना, ये है जान का जुआ। सोच समझ के तू आना, ये है जान का जुआ। हे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता बाबा जी। ये लो। ये क्या? पैसा। वो तो मेरे को पता है, लेकिन मेरे को काय को दे रहे हो? मेरे बेटे को बचाया था ना, इसलिए रख लो। ओह ऐसा है, लेकिन उस काम के लिए पैसे? ले ले, मैं दे रहा हूँ ना, रख ले। ऐसे किसी को मैं पैसे नहीं देता। अरे सेम टू सेम, मैं किसी से फ्री में पैसे नहीं लेता। चलो बाय। ए कूल, बोलिए। अरे तो इसे पगार समझ के रख ले। पगार? तुझे मैंने आज से अपने यहाँ काम पे रख लिया समझ ले। क्या काम करने का मेरे को? वही जो उस दिन। तू बस कर। सर आप बताइए। तू बता रहे। अरे वहाँ जो तूने अकेले पांचों के हाथ पांव तोड़े थे ना, वही काम। उस दिन तुमने मेरे बेटे को नहीं बचाया था, मेरी जान बचाई थी। ए सूरज, हाँ? अब से ये अपना आदमी है। मेरा दूसरा बेटा। ए, मैं सूरज। जया। शेखर। नंदू। कल तक लफड़े की वजह से काम जाता था और अब लफड़े करने का ही काम मिला है, चलता है। कोई भी हो चाहे दुश्मन, वो हमसे ना
कोशिश में हर बाजी को जीतू, मैं गदरों से खेलू, हर तूफान को जेलू, हो कोई दादा हो कोई गुंडा, मैं न किसी को छोड़ू, दिल मेरा भोला भाला, करू मैं हल्ला गुल्ला, जहां भी जाऊं मैं तो कर दूं हंगामा, लुक मेरा सीधा साधा, बुरा है मेरा गुस्सा, कोई कुछ ना बिगाड़े, मैं हूं वो बला, कोई भी हो चाहे दुश्मन, वो हमसे ना बच पाएगा, वो कोई भी हो चाहे दुश्मन, वो हमसे ना बच पाएगा, वो अबे खोजू मजा नहीं आ रहा, आप जरा अच्छी रेंज में बजा, अबे शान से जीना, कभी ना सर को झुकाना, कलेजा तान के तू तो आगे ही बढ़ना, कोई भी हो चाहे दुश्मन, वो हमसे ना बच पाएगा, वो कोई भी हो चाहे दुश्मन, वो हमसे ना बच पाएगा, वो जियो बिना डरे, रहो मस्त होके, कर सब धमाके, मार चौके चक्के, नाचना गाना बहुत हो गया, अपने काम पे चलता हूँ, चलता है, जाओ 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 आराम से। ओए क्या है, क्या पीपी किया जा रहा है, देखता नहीं छोटे छोटे बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं, तेरे तो मुझे पता है, तू अपना मुंह बंद रख झिंगोर, स्टूपिड, लुक एट द वे ही इज टॉकिंग, ब्लडी इडियट, इंडिसेंट फेलो, ब्लडी फूल, आई किल यू, यू सेंसलेस बगर, या या सुनो सुनो क्या मस्त अंग्रेजी बोलती है, वो अपन को सुना रही है, ऐसा क्या, इंग्लिश नो इनकमिंग, हिंदी हिंदी में बात कर आजकल की कुड़िया, बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है क्या, तेरे बच्चे क्या, इडियट, बाप का नाम क्या है, स्टूपिड, आई लव, दो बच्चे तेरे सुपर फास्ट है, गुंडे बदमाश, ए बुम्बाट मैडम, अगर तू इधर की हीरोइन है तो मैं भी इधर का हीरो हूँ, चलता हूँ। रोमियो, रोमियो, ए चल बैठ जा। रोमियो, रोमियो। अरे क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं अंकल। आप छोड़िए ना भाई साहब, मैं मेरी बना बात सुनो, वहाँ जाके बैठो, अंजलि को मेरे हाथ की कॉफी अच्छी लगती है। क्या हुआ अंजलि? कुछ नहीं। इतनी परेशान क्यों हो? कॉफी। अब तो बताओ बेटी क्या हुआ? घर के सारे लोग क्या हुआ पूछ रहे हैं, आप नहीं पूछ सकते क्या? वो क्या है ना, पूछिए ना डैडी। ठीक है अब बताओ क्या हुआ। छोटे बच्चे थे बेचारे, रोड क्रॉस कर रहे थे, थोड़ा रुक सकते थे ना, नहीं रुके, जैसे उसके बाप की सड़क को ऐसे हॉर्न बार बार बजा रहा था, ऐसे लोगों को तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए। हॉर्न बजाने वाले को सूली पे? आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता, इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, गुंडा कहीं का। तुम उसे पहले से जानती हो बेटी? नहीं। तो वो गुंडा है, तुम्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला पूछा? कुछ लोगों की शक्ल से ही पता चल जाता है डैडी। ओहो, इतनी रफ ड्राइविंग कर रहा था, उसे तो गुंडे का बोर्ड लगा लेना चाहिए। चलो अब जाने दो उसे, मेरी लाडली हो ना, कॉफी पी लो, बेचारे को कुछ जरूरी काम होगा शायद। ए, तू ऐसा ही है या सीआई?
कितने हजार? 50,000? ठीक है, भिजवा रहा हूँ। ये लो और जाओ। हमारे देश में रिश्वत लेने वाला कोई डिपार्टमेंट है तो सबसे ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट है, ये डीजीपी ने कहा है। ठीक ही तो कहा है ना। हमारी क्या प्रॉब्लम है उस लॉयर की ना? जी बताता हूँ, मेरी अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लॉयर का प्रॉब्लम। सारे लॉयर्स होते ही ऐसे हैं। उसका नाम क्या है? लॉरी भरवा ली है, गुच्छे पर 1 रुपया कम कर दो साहब। नहीं हो सकता भाई, उसमें मुझे खुद ही 1 रुपया मिलता है, वो भी तुम खींच लोगे तो कैसे चलेगा? तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। जी मालिक। इन्हें 2 गुच्छे अलग से डालकर भेज दो। ठीक है मालिक। सीता नगर में लॉयर शंभू नाथ। बाबा जी, तारीख कब की है? कल की है। ए सूरज, तू 5 लड़के लेकर लो ये आ ही गया। राजू। बाबा जी। ए सर की एक लड़की है ना? हाँ राजू, उसका नाम अनुषा है। कौन सा कॉलेज है? मुंबई यूनिवर्सिटी में बीएससी फाइनल ईयर में है राजू। जो भी हुआ उसे भूल जा, घर जाकर क्रिकेट मैच देखने के बजाय फालतू का ये लफड़ा मत कर, समझा क्या? ए, प्रिया, ये तो वही गुंडा है, अब वकील से झगड़ा कर रहा है देखो। अरे वो किसी से भी झगड़ा करे हमें क्या, तू चल। ऐसे नहीं छोड़ूंगी उसे, टुडे आई विल शो हिम। तुझे क्या जरूरत पड़ी अंजलि? यही रुक, मैं अभी आती हूँ। हे अंजलि। अरे लगता है इनको हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा है ना? करेक्ट। ऑर्डर। एक और ऑर्डर। क्या भाई, छोटे छोटे पत्थर लाए हो? ये बड़ा वाला है ना भैया? था ना बड़ा वाला। एक और दो। ये लो। ये भैया, नो बॉल है। ओके, अब देखो डायरेक्ट विकेट। How's that? विकेट। सर सर सर, यू डोंट वरी सर, आई एम विद यू सर, यहाँ पर कोई आपको बचाने नहीं आएगा, मैं हूँ ना सर। इन गुंडों से आप बिल्कुल मत डरिए, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, मैं गवाही दूंगी। कम ऑन सर, कम ऑन। ए, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें बुलाया क्या? अपना काम करो तुम पागल। ये क्या कह रहे हैं? बेटा, मैं घर जाकर क्रिकेट मैच देख लूं, ठीक है? ए, तुम्हारी फाइल? नहीं चाहिए। सही है, जा। ए, पत्थर फेंकना, चलता हूँ। उस दिन मुझे डाउट आया था, तेरा कनेक्शन लूज है, पागल है। पागल है। वो पागल, उसका बाप पागल, मुझे पागल बोलता है, भगवान करे वो कुएं में गिर जाए। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। भला मैंने तुम्हें कभी पागल कहा क्या? चलो मान जाओ। लो थोड़ा सा मुंह खोलो। मुझे नहीं चाहिए। मेरा सोना, मेरा गोल्ड, मेरा हीरा, मुंह खोलो। ये क्या डैडी, फ्रिज से दाल उठा लिया क्या? इतनी ठंडी है। ये दाल ठंडी नहीं है बेटी, तुम गर्म ज्यादा हो गई हो। ठीक है, मैं गर्म करके लाता हूँ। मुझे पागल कहता है, खुद ही पागल होगा, बताऊं कैसे। मैडम ब्लाउज सिल के आ गए हैं, देख लीजिए, लूज होंगे तो टाइट कर देंगे। लूज यानी पागल? चले जाओ। फिर से आ गया। दीदी, आपके यहाँ केबल आ रहा है क्या? आ रहा है। तुम्हारे घर नहीं आ रहा? नहीं, कुछ लूज हो गया होगा। यानी पागल? क्या पागल कहता है? मेरे घर का कलेक्शन लूज हो गया होगा, तो मुझे क्या मार रही है? लूज लूज है, लूज है। कौन है जो मेरी बेटी को पागल बोल रहा है? नो शट अप। ए भाई, क्या चमक रही है? ए, अरे स्कूटी की बात कर रहा भाई। भाई उस लड़की को पहचाना क्या? वो सिग्नल वाली लड़की है भाई। मालूम है, वही सिग्नल वाली लड़की। ए, साइड क्यों नहीं दे रही है? अभी देखता हूँ। ए पागल, ठोक दूं क्या तेरे को? जाने दे, जाने दे। ये तो मैं ओए, ये क्या ठोक दी तूने? और ठोकर तो ही कर रहा है। ठीक है, मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है? अगर मैं चाहूँ ना तो पूरे परिवार की चटनी बना दूँ। ऐसा क्या? क्या समझता है खुद को? तेरा नंबर नोट करके अभी बताती हूँ तुझे, कहाँ लिखूँ? ये पेन कहाँ गया? यहाँ क्या हो रहा है? ये कैसी गुंडा करती है? गाड़ी चलाते वक्त आगे पीछे देखना जरूरी होता है, पागल कहती। हाँ।
यार वो मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। अरे चलो जल्दी निकालो, देर मत करो, जाओ। ये गुंडा मेरी गाड़ी को टक्कर मारकर भाग गया, सर मेरी कंप्लेन लिख लीजिए। ये गुंडों का भी अब यही काम हो गया है। गाड़ी का नंबर क्या है? ओह यहाँ लिख लिया है, अरे देखना पड़ेगा ना। मैं बताती हूँ, आप लिखिए। हाँ बोलो। MH 31A B1A 9471 कहीं वो व्हाइट मारुति ओमनी तो नहीं थी? बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है बिल्कुल ठीक बताया। ₹500 फाइन भरो। वो क्यों? क्योंकि तुम वन वे से आई हो, इसीलिए। वन वे से मैं आई हूँ? आप भी उसी के आदमी निकले, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि। सुबह सुबह उस गुंडे की गाथा, हमें क्या करना बेटी? अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देखती रहूं। फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहा? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटी, हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। कल को इन सब के बदले उसने कुछ कर दिया तो खुद तो डरेंगे और मुझे भी डराएंगे। आपने मुझे ऐसे नहीं पाला है डैडी। वो गलती की है मैंने। क्या गलती? मुझे भूख लग रही, भूख लग रही जोर की। ठीक है, जल्दी। बड़े सही हो गए भाई। ये साला सुबह से साबुन लेने के लिए गया है, कब नहाऊंगा मैं? सिंगर भाई नमस्ते। हाँ राजू भाई नमस्ते। वाह ब्लैक शर्ट में जम रहे हो। और मैं तो नंगा हूँ। ये सुबह सुबह बन ठन के कहाँ? नहाने का इंतजार कर रहा हूँ। अब नहाना भी शुरू कर दिया? ये सब लेडीज फंक्शन की वजह से, बिना नहाए गया तो बदबू फैल जाएगी ना। फंक्शन? वो कांस्टेबल गंधर्व की लड़की का जन्मदिन है ना, वहाँ गाने जा रहा हूँ। क्या कहा? मेरी रानी का जन्मदिन और मुझे बताया भी नहीं? ये बात तो मुझे भी अभी तक पता नहीं चली। अबे वो कहाँ मर गया था, साबुन कहाँ है? क्या भाई हमेशा डांटते रहते हो, आपको ₹1 का फायदा कराया, ये लो ₹1। किसने दिया? दुकानदार ने। क्यों दिया? साबुन का कवर वापस देने पे ₹1 वापस देगा बोला, इसलिए ले आया। दिमाग है यार तुझमें, ₹1 का फायदा तो साबुन कहाँ है? सील ओपन करने के बाद तुम इस्तेमाल नहीं करते हो ना, इसलिए फेंक दिया। पूरे ₹15 का घाटा। अरे रे रे रे, ये क्या भैया क्या कर रहे हो? तुझे मारूंगा तो रोज मारना पड़ेगा ना। अबे ₹15 गए उसे भूल जा, पर ₹100 का छाता है उसे तो ठीक से लाया ना भाई। ये देखो ब्रांड, देख कर लाया हूँ भैया। ओए ये नया छाता है भैया, ब्रांड न्यू। तो इसमें छेद क्यों है? मैंने किए भाई। तूने किए? क्यों किए बे? भैया ये बारिश आए तो पता चल जाए, इसलिए भैया। तो ये वाला क्यों? अरे बारिश खत्म हो जाएगी तो पता कैसे चलेगा? बहुत अच्छे। तू एक काम और कर, बाकी जगह पर भी छेद कर दे, एक छेद से सुबह कब हुई, दूसरे छेद से रात कब हुई पता चल जाएगा, है ना? ठीक है भैया। भैया ये देखो, एक तो काला है ऊपर से नंगा घूम रहा है। काला हूँ पर दिल वाला हूँ। नहीं सुधरेगा। अरे तेरे चेहरे का फ्यूज क्यों उड़ा है? दीदी को अस्पताल में भर्ती किया गया है भाई, अपेंडिक्स है, ऑपरेशन के लिए 10,000 लगेंगे बोल रहे हैं। ए बाबा जी से मांग लेना चाहिए था ना। अब कितनी बार मांगूंगा मैं। गाड़ी चालू करो भाई। ठीक है चल। ओके बाय। क्या हुआ अंजलि, अंकल को इतना टेंशन क्यों देती हो, वो शादी की बात भी। अरे अब तू भी, डैडी शांत हुए तब तू शुरू हो गई। हाँ ऐसा नहीं है यार, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, तुझे कैसा लड़का चाहिए? चेहरा खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन दिल खूबसूरत होना चाहिए। हाँ। मेरी केयर करने वाला हो और मुझे समझने वाला। ए, वो देखो वो कौन? ये वही है वो। हाँ? अरे 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 ओ ओ अंजलि, अरे क्या कर रही हो? चल ना अंजलि। सो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू, व्हाट हैपेंड? सॉरी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अभी चलना। एक्सक्यूज मी मैम, द इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज, लगता है वो हमें ही ढूंढ रहा है। हमें नहीं तुझे ही ढूंढ रहा है। ये तो दूसरी क्लास में जा रहा है, देख ए चल चल। एन इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू ऑपरेट इट अकॉर्डिंग। अरे 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 आना तू। हां आ यू। सॉरी सॉरी। ए ए मिस्टर कौन हो तुम, कहां चले जा रहे हो? ए चेन उतार। क्या काम है तुम्हें? यहां मामा देख अपनी चेन उतार, बैठ के ध्यान से पढ़ाई कर, ये ले। Hey Mister, what is this? चलता हूँ। एक मिनट सुनिए सर। हाँ? एक गुंडा मेरा पीछा कर रहा है। कहाँ है वो गुंडा? वो नीचे है। अभी जाकर उस गुंडे को देखता हूँ। ए, उसने हमारा पीछा कब किया? वो पीछा नहीं कर रहा तो यहाँ क्या कर रहा है? अरे तू भी ना। अरे यहाँ। ए, ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनिए। गर्ल्स कॉलेज में तुम्हारा क्या काम है? ये चल रहे। ए, रुक जाओ। बिना मेरा जवाब दिए जाओगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम्हारी। लगता है डर कर भाग गया। डर कर भाग गया, देखा ना मैंने कहा था ना, अपने से हट्टे कट्टे आदमी को देखकर भाग ही जाएगा सर वो कहीं का। थैंक यू सर। अरे छोड़, मैं भाग जाने दो ना प्लीज। ए
आज कॉलेज जाकर इसके गले से तूने चेन क्यों उतरवाई? हाँ, इस कॉलोनी में हमें जीने नहीं देगा क्या? ठीक है ना, जरूरत थी इसलिए चेन ले ली, दोबारा वापस दे दूंगा। क्यों भाई, इसने दोबारा शुरू कर दिया क्या? हाँ सर, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए अपने एरिया के कारपेंटर को साथ लेके आया हूँ, वही अपना कॉर्पोरेटर। आइए सर, उतरिए। ये उनका कैलकुलेटर, मतलब कि अकाउंटेंट है। आप उतरिए सर। अरे 400 लोग बोला था, यहाँ तो 40 भी नहीं है। वहाँ है सर। मुझे आज ही फैसला चाहिए, इस कॉलोनी में या तो हम रहेंगे या तू रहेगा। तुम रुको ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने बुलाया ना साहब को। सर यही है सर, इस कॉलोनी में बहुत हंगामा मचा रखा है, कुछ बोलो तो तबला बजा दूंगा, तबला बजा दूंगा कहता है। देखिए ना कैसे घूर रहा है, हमारे साहब के सामने तबला बजा के दिखा। तुम पीछे हटो। पीछे हटो मैंने कहा। देखो बेटा, देख लिया। तमीज से बोल रहा हूँ, अभी इसी वक्त कॉलोनी को छोड़ के चले जाओ। ओके सर। तुम लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ बोला था, लेकिन एक ही बार में मेरी बात मान गए। यही तो इसका स्टाइल है, देखने में ऐसा लगता है पर असल में ऐसा है नहीं। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। ओके कॉलोनी टाटा बाय बाय। विपक्षी पार्टी भाई, अपना वो बैग ले ले। सर आप घर पे फोन करके मुर्गी की बिरयानी बनाने को बोलो ना। ओके मेरा टेस्ट कैसे मालूम? ये मेरा टेस्ट है सर, क्योंकि आपसे मैं आपके घर में सेटल होने वाला हूँ ना। मतलब? मतलब बेघर आदमी का कॉर्पोरेटर ही सहारा होता है। मैंने कहा था ना, सीधा नहीं है। कॉर्पोरेटर से कॉमेडी नहीं। अच्छा काट डालूंगा। अच्छा जोड़ दूंगा। तू मेरे बारे में नहीं जानता, मुझे आ गया तो इतना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, अगर आप भी वैसी ही लाइन बोल दो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये बात तो तूने अच्छी कही। बता, पीतल के पतीले में पीला पीला पपीता, या पीला पीला पपीता पीतल के पतीले में? पीतल का पतीला और पीला पीला पपीता, जिसमें पतीला पीतल का है और पपीता पीला है। How is it? पीतल के पपीते में पीला पीला पतीला, पतीला पीला नहीं है पपीता पीला है। रुको, पीतल के पपीते में, पीतल के पपीते में, अबे पपीते का चक्कर नहीं, जुबान चलती है तो मौके पर उसका फायदा उठाना चाहता तू? चुपचाप इस कॉलोनी को छोड़ के चला जा। ये चीटिंग है, धोखा है। धोखा है? मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानूंगा? नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक है, एक सिंपल सा छोटा सा गेम खेलते हैं। ऐसा गेम? मैं जो आंखें बंद करके करूंगा वही आप आंखें खोल कर करोगे। एक मिनट रुके, क्या कहा तुम? बंद करके करोगे इन्हें खोल कर? इतनी बड़ी बात क्या है, बंद काम खोल कर करना है, बोलो। एक मिनट, वादा मत करना, एक बार सोच लो। सर सोचते नहीं है क्योंकि सोच ही नहीं पाते। क्यों सर, सही कहा ना? तुम क्यों पीछे बोल रहे हो? सर इस गांव में 400 वोट है, सोचिए मत, बस कर डालिए। यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, यू प्रोसीड। श्योर? यस। मिर्ची पाउडर ऐसे डालना है। मैंने कहा था ना, इसकी बात को अच्छी तरह से समझ लो फिर मानना। तुमने कहा था, मैं कैसे मानता? सर बिना सोचे पूरा डाल लो सर। तू इधर है? लेकिन मैं नहीं लगाने वाला हूँ। ये वादा खिलाफी है, गिरा दे। बच गया तबला। अरे साड़ी तेरी गिरी है, तू तो आंख बंद करिए, साड़ी संभाल। हेलो, एक मिनट। हेलो, भाई साहब आपने अंजलि को बताया क्या? हाँ जी, हाँ जी बेटी, अच्छा लड़का है, अच्छा परिवार है। आप उस गुंडे की फैमिली के बारे में भी जानते हैं? गुंडा? वो तो बैंक मैनेजर है ना। वो सॉरी डैडी। मतलब कि वो गुंडा अब तक तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है? फिर से आ गया यू रॉस्कल। आप आइए डैडी, मैं भी बताती हूं। रुको बेटी, क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो ना। रुकिए तो, क्या ढूंढ रही हो तुम, क्या कर रही हो? अरे बोलो ना बेटी, क्या हुआ, बोलो ना बेटी, क्या हुआ, बोलो ना बेटी। क्यों? अरे कौन है? ए, मारा क्यों मेरे को? जब से मेरा पीछा कर रहे हो आखिर तुम समझते क्या हो कुछ? तेरा पीछा कब किया, पागल है क्या? काहे को लफड़ा कर रही है बेटी? अरे तू तो बोल, क्या हुआ, तू कौन है? अरे मैं इसका बाप हूँ। अरे सर लेकर जाओ इसको, ये पागल है। पागल बोला ना, पेट
में घुसा दूंगी। जानता हूँ, इसीलिए तो तेरे को पागल बोल रहा हूँ। तुम जाओ यहाँ से बेटा। आप इसे नहीं जानते, बहुत बड़ा गुंडा है ये। दिखा इसने क्या बोला, आज तो इसका काम तमाम। राजू तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। रुको, तुझे तो छोड़ो पागल लड़की। राजू बिजी करती है। राजू मेरी बात दादागिरी करने वाला, चल फूट यहाँ से। ए नहीं, दूंगा क्या करेगी। राजू जाओ जाओ यहाँ से। अरे क्या ये सब, क्या हो रहा था। वो एक गुंडा है, जब देखो मेरा पीछा करता रहता है, मैं उसे मजा चखा कर रहूंगी। आप गलत समझ रही हैं, मैं घर पर अपना लाइब्रेरी कार्ड भूल आया था, ये उसे देने आया था, बस आपने जाने बिना झगड़ा कर लिया उससे। भूतनी, मैं उसके पीछे पड़ा रहता हूँ, हैं? मैं और उसके पीछे, मुझे और कोई काम नहीं है क्या। ये देख हाथ काट दिया मेरा, तीन टाके भी आए। ये पांचवी बार बता रहे हो भैया। 50 बार बताऊंगा, चुपचाप सुन। अरे कितनी लड़कियों को देखा है मैंने, अब तक किसी लड़की को गलत बोला क्या, गलत निगाह से देखा क्या, ऐसे मुझे वो वही लड़की के पास सिर्फ सुंदरता नहीं, संस्कार भी होने चाहिए। अपने बाप के सामने मेरा हाथ पकड़ कर काट दिया, वही पर मैंने दिया होता ना, पूरी कॉलेज सर पे उठा लेती। 3 टाके 50 बार बताऊंगा। लड़की खूबसूरत थी क्या। हाँ बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी तो लड़की खूबसूरत तो थी, सच में खूबसूरत थी। नहीं नहीं पागल थी, भूतनी थी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी, चुड़ैल जैसी थी, लेकिन फिर भी थोड़ी खूबसूरत तो थी। रुको ना, बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं ना। अरे अरे भाई तू संत कब से हो गया है? ए, बहुत हो गया, चलना यहां से। छोटू उस्ताद। नमस्ते भैया। हाँ ये राजू कहाँ है? सुबह से ही गायब है। जानू, रोको रोको, स्टॉप स्टॉप, गाड़ी रोको। कौन है तुम? बताता हूँ बताता हूँ, भाई के लिए तुम्हें प्राण दान करने पड़े। क्या हुआ है, कैंसर या एड्स? नहीं नहीं भाई, तुमसे प्यार करते हैं, क्यों भाई है ना। नमस्ते भाभी। क्या बोला भाभी, जूते पड़ेंगे तुझे। पड़ने दो, तुम्हारे जूते टूटेंगे, भाई नहीं दिलवा देंगे। सिर में दर्द है भाई, मेडिकल की दुकान खोल देंगे। मेडिकल की दुकान ही नहीं, अस्पताल भी खोल के दे दूंगा। क्या कॉमेडी कर रहे हो तुम लोग। नो नो कॉमेडी, फुल सीरियस, आई लव यू। नो से नो, वन डे आई सी यू टेम्पल, आफ्टर दैट लव स्टार्टिंग, यू नो। 30 days में इंग्लिश लर्निंग बुक, 2 book purchasing, 15 days में फुल इंग्लिश कमिंग, यू से 1 word, आई लव यू। नो नो नो, 3 word, आई लव यू। नो लव नो लिव, यस यस यस।
मैं अपने बॉयफ्रेंड से पूछ कर बताऊं। बॉयफ्रेंड दैट हो? वो आ रहा है ना पीछे, वो ही है। हे मेरी चाबी। अरे तू रुक। क्यों भाई? वो चाबी दे दो। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड डिस्कशन नो डिस्कशन गो 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 गो। सर आप जाइए यहाँ से। आप जाइए सर, छोड़ के आओगी क्या? तेरी तो सर 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 छोड़िए ना, आप बात कीजिए। दिस वर्ड विथ लव तू जात। वो ठीक है सर, चाबी दे दो। चाबी दे दो ना। ये ले चाबी। इधर जाती है, चल उससे बात करता हूँ तो तू चल रही है। अरे इसके हाथ बहुत नरम है, क्या खाती है तू? मुझे मारता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने भाई को बुला के लाता हूँ। तूने मुझे मारा, तेरी तो कहने नहीं है क्या? दो बार उनको मारा लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तब बस एक घुमाकर मुंह पर दिया और नाक टूट गई। आपको कराटे पता है डैडी? मुझे नहीं पता। क्या उसे पता मुझे होगा? मुझे क्या पता, वो अच्छा आदमी है। आ? वही गुंडे थे, सारी गलती उनकी है। देखो बेटी, कल तक तुम उसको गुंडा बोलती थी, अब वो गुंडा नहीं कोई और दूसरा गुंडा है बोल रही हो। हर इंसान बुरा नहीं होता, उसको अच्छी नजर से देखो। गुड नाइट। गुड नाइट। जल्दी से सो जा बेटी, सुबह जल्दी उठना है। वैसे वो अच्छा लड़का है। यही है वो लड़का। यही है भाई, यही है। कहाँ है रे वो? किसका? आ, वही लड़का तेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? अरे जिसने मेरी नाक तोड़ी थी वही। मुझे कुछ था। मेरे को क्या समझती है, दूंगा एक का। भाई मारो मत, मेरी लवर है। लवर है? दिमाग खराब है तेरा। बताना कहाँ है वो, बोल बोल। बोलो तुम लोग। ए शॉप है, कहाँ रहता वो लड़का, बोल कहाँ रहता है, बता दो ना बेटी। मैं नहीं जानती डैडी। झूठ बोल रही है, इसे सब पता है, इसका बॉयफ्रेंड है। झूठ क्यों बोल रहा है? कहा ना कि नहीं पता है। मुंबई में वो चाहे जहाँ भी हो उसे ढूंढ कर काट डालो। अगर वो नहीं मिला ना तो दोनों बाप बेटी को काट के रख दूंगा, याद रखना। चलो कट ले, चले। मुंबई में वो चाहे जहाँ भी हो उसे ढूंढ कर काट डालो। ए, बहुत पी लिया तुम लोगों ने, चलो अब कुछ खाते हैं। रखना। ए बंधु। हाँ भाई। अब तक 3 प्लेट खा चुका है, अब और कुछ दो प्लेट क्या? पार्सल घर ले जाकर खाऊंगा। बाप रे, सारे गली मोहल्लों में छाल मारा, ये क्या मुंबई छोड़कर भाग गया? हाँ दीदी। तुम थोड़ा जल्दी घर आ जाना, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। ठीक है अभी आया। भाई देखो वो रहा, वो वाला या वो वाला? या वो वाला? अरे वही जिसे बताया था ना मैंने। उसने मारा तेरे को? इशारा किया था ना। अबे कम से कम बताया तो ढंग से कर। अब भाई उसकी वाट लगाएगा। कौन हो गए तुम लोग? राजू ये देखना, एक और ऑटो। ए छोड़, अगल पीछे। जल्दी यहाँ से भाग। ओ, काट डालूंगा। ये क्या कर रहा है, रंगोली बना रहा है क्या? ये रंगोली नहीं बना रहा है, स्केच बना रहा है, स्केच। आ, 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 आ,
चल देखते हैं। कहाँ गया? क्या पता? तुम हो? ए, मुझे दे, है? मुझे दे। क्या राजू? मुझे दे ना। राजू, राजू कर तो जा यहाँ से। मैं भी कर, लेकिन यहाँ से जा। मैं लड़कों को निकाल यहाँ से। तुझे पैसे दिए हैं ना? जा पाइक। मैं डर गया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। पप्पा बोलता नहीं है। मैं यहाँ से भागता हूँ। राजू जल्दी आ, आराम से, जल्दी चलो। ए, किसने मारा है राजू को? पता नहीं बाबा जी। क्या? ए, तुझे पता है? बाबा जी मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ए, मुनीम बाबा जी, दो दिन में पता चलना चाहिए कि राजू को किसने मारा। राजू अब कैसा है? अब वो ठीक है। ओके मैडम, वो इसी फ्लोर पर है। इसके डिस्चार्ज होकर बाहर आने से पहले उन सबको जिंदा कर दो, समझ गए ना? हाँ ठीक है बाबा जी। ये छोटी बात नहीं है, आपने राजू को मारा है उन लोगों ने। एक एक को ढूंढो और सबको खत्म कर दो। कोई बात नहीं, बैठे रहिए। क्या है? चलना, मुझे यहीं बैठने के लिए बोला है। अरे तू चलना, चल चल। अरे बाहर आना भी नहीं देता। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? अब ठीक हूँ। सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ ना? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है जी, सुबह डिस्चार्ज कर देंगे बोला है उन्होंने। तुमने मेरी खातिर मार खाई ये सोचूं, या तुम भी उनकी तरह ये गुंडे हो ये सोचूं, समझ नहीं आ रहा। कोई भी बचपन से बुरा नहीं होता, हालात उन्हें बुरा बना देते हैं। अब पता नहीं तुम किन हालात की वजह से ऐसे बन गए हो, लेकिन तुम्हें देखने से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर भी एक अच्छा दिल होगा। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी क्लास लेने आई हूँ। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी जीने का तरीका थोड़ा अलग हो, लेकिन मेरे जीने का तरीका उससे भी अलग है। तुम चाहो तो एक अच्छे आदमी बन सकते हो। क्या तुम नहीं चाहते कि एक अच्छे आदमी बन जाऊं? मुझे नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ तुमसे, लेकिन अगर तुम अच्छे बन गए तो तुम्हारे साथी बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे भी बहुत खुशी होगी। जल्दी उठा। दीदी, हाँ, 10 दिन से ये राजू कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? झगड़ा वगड़ा किया होगा, पुलिस के लॉकअप में होगा। तुम अपना काम करो, चल जल्दी कर, जल्दी कर। ए राजू, यहाँ क्यों बैठा है? ए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ, चल चलते हैं। यहाँ बारिश में क्यों भीग रहा है अनाथ की तरह? अनाथ हूँ इसलिए तो यहाँ पड़ा हूँ। क्या मतलब? माँ और बहन को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? माँ बहन? सुनिए माँ जी, कल पिंडदान की पूजा का उत्तम दिन है। कम से कम 100 लोगों को खाना और दान दक्षिणा करनी होगी। कुल मिलाकर 10-15 हजार रुपए का खर्चा तो आ ही जाएगा। बोल बेटा, सामान लाया है ना? अरे बोल ना, सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं हम लोग। स्वाति की फीस भर। फीस भरना जरूरी अभी था? वही जरूरी था, ये पूजा नहीं। मेरे बाप ने तुम्हारा पति बनकर कुछ अच्छा नहीं किया है। अरे मैंने स्कूल में मेहनत से गोल्ड मेडल जीता तो उसे दारू की दुकान में बेच के दारू पिया। उनका कर्जा भरने के लिए मुझे काम करना पड़ा।
और मेरी पढ़ाई रुक गई, और तो और पत्नी की साड़ी बेचकर उस दारू पीने वाले के लिए इतना खर्चा करके पूजा रखना जरूरी है क्या? उन पैसों को इसकी पढ़ाई पर लगाओ, कम से कम इसकी जिंदगी तो सुधरेगी। सुन ले, समाज में रहना है तो तेरे बाबूजी का पिंड दान के रस्म में हमें निभाना ही होगा बेटा। पिंड दान के लिए चार दाने कौवे को खिलाना ही काफी है, ऐसे आदमी के लिए इतना ही बहुत होगा। मंगलसूत्र बेचने की जरूरत नहीं। अरे भगवान, पिंड दान के पैसों से लड़की की फीस भर के आ गया, अब उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? ये पाप तेरे परिवार का नाश कर देगा। वो जैसे भी थे तुम्हारे पिताजी थे, पता नहीं ये उनके असली औलाद है भी कि नहीं। इन्हें क्यों मारा तूने? तेरी वजह से मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती है। जा, निकल जा यहाँ से। तू चुप कर, जा निकल जा। माँ, यहाँ से तेरा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। जा यहाँ से, निकल जा, जा, जा यहाँ से। भैया। लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है, हर बार झगड़े के बहाने मुझसे बात जरूर करती है। हमेशा ऐसे ही थोड़ी रहने वाली है, कभी अगर मुझे प्यार से बुलाया तो जाना पड़ेगा ना, इसलिए यहीं रहता हूँ। राजू, लेकिन शेखर बहुत देर हो गई, अब तू जा, मेरी जिंदगी में सब चलता है। माँ, भैया बारिश में भीग रहे हैं। माँ भीगने दे, अगर इस तरह उसके पाप धुलते हैं तो उसे भीगने दे बेटी। ये राजू कहाँ है? डिस्चार्ज हुए उसे 3 दिन हो गए। उसके लिए सूरज को भेजा हूँ बाबा जी। हाँ, क्या हुआ, कहाँ है वो? बाबा जी, मैं उसके कॉलोनी में गया था, लेकिन वो वहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया होगा वो? ऐसे कहाँ गायब? मुझे पता है। हाँ? क्या कहा, क्या पता है तुझे? वो अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बता दूं क्या? ये लीजिए, सस्ते में है। ए राजू, चलकर थोड़ा पानी पीकर आते। नहीं तू जा, मैं तेरे लिए भी लाऊं क्या? नहीं नहीं, चलेगा जा। पहले जब गुंडे थे तभी अच्छा था, एक हाथ में आदमी घूम जाता था, यहाँ ये खिलौने बेचते बेचते अपना माता घूम जा रहा है। भाई खाने के लिए खाना भी नहीं है। बोहनी होगी तब तो खाना मिलेगा। ए, बकरा मिल गया, वो देख। क्या सर, पसंद आया? पसंद गया, बहुत पसंद आया। तो फिर खरीद लो ना। बिल्कुल। कितने की है? 100 रुपए की, 1 साल की गारंटी। 100 रुपए की? इतनी सस्ती? कहीं कोई बीमारी तो नहीं है ना? तू किसके बारे में बात कर रहा है? उस लड़की के बारे में। लड़की के बारे में? तेरी तो बहंगी आंखों से देखता है, भजिया मांगता है, जलेबी और हमें कंफ्यूज करता है। हम लोग तुझे क्या लड़कियों के दलाल दिखते हैं भाई? पहले ये गुड्डा खरीद। गुड्डा का क्या करूंगा, मैं तो बैचलर हूँ। कल तेरी शादी होगी, फिर तेरे बच्चे होंगे, तब ये काम आएगा, खरीद। अरे पर बच्चे होंगे, उसकी क्या गारंटी है? अबे पैदा करने की गारंटी मैं लेता हूँ, पहले खरीद तो ले। अबे हटा। खरीदता है कि नहीं? अब मेरा बाप ही खरीदेगा। इस बस स्टैंड के सारे लोग दो दो खिलौने खरीद कर जाएंगे। कोई लड़की वाला खिलौना हो तो वो देना। ये ले, ये है ना लड़की। वाह लड़की, कितने की है? 500 रुपए। 500 रुपए? ये तो गलत है, इसमें तो 50 रुपए ही लिखे हुए। बाजू में एक और जीरो लगा ले। ये धोखेबाजी है, मैं नहीं खरीदता। तेरी तो, क्या कर रहा है तू? ऐसे ही डराना होता ना तो उसी बाबा जी के पास काम करते, ये काम नहीं करते। देखिए, आप में से जिसे खिलौने खरीदने हैं खरीदिए, इसे पसंद ना आए वो यहाँ से चले जाइए प्लीज। क्या यार, सब गड़बड़ कर दिया। वाह, आई एम सो हैप्पी, बहुत बहुत खुशी हो रही है। बदलने को बोला बदल गए, सुबह से धूप में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन एक ने भी नहीं खरीदा। थोड़ा डरा कर खरीदने की कोशिश की तो ये है ना राजू, विवेकानंद बन रहा है। और नहीं तो क्या, आज हमने खाना भी नहीं खाया। कैसे, बोहनी नहीं हुई है अभी? मेरी वजह से अगर बदले हो तो बोहनी भी मुझे ही करनी चाहिए ना। राजू ये गुड्डा मुझे दो। हाँ। 500 रुपए क्यों, सिर्फ 50 के हैं। कोई बात नहीं, मैंने एक जीरो बढ़ा दिया। अब मेरा खाने का बंदोबस्त हो गया। ओ, ओ, ए, अरे बाय। पसीना पसीना पोंछ लो। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। Bye. Bye.
बैठो। ए, क्या हुआ रे? अस्पताल में डॉक्टर ने दिमाग का ऑपरेशन कर दिया क्या? राजू, ये रोड पर इस तरह खिलौना बेचने की क्या जरूरत है तुझे? हाँ, बोलना। ऐसी बात नहीं बाबा जी, यही मेरे लिए ठीक है। ये ठीक है? ए, गाड़ी बढ़ा। हाँ, सामान? ए, इधर आ। क्या भैया? मेरा सामान कहाँ गया? सामान कहाँ गया? ओए, भैया का सामान किसने चुराया है? चुपचाप बता दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। भैया, मामा माँ, ये क्या है माँ? घंटे भर से सर पोंछ रही है। इतने दिन तक बाहर बारिश में थे ना, तो गंदगी साफ करने में वक्त तो लगेगा ही ना। सही है, तू भी मुझे लेक्चर देना शुरू कर दे। क्या माँ, इस धुएं से मेरी नजर उतार रही है क्या? भीगने से जुखाम हो गया होगा ना, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। बहुत भूख लगी माँ। क्या बनाया है? चिकन करी, मच्छी मसाला, फ्राई किया ना? हाँ, फ्राई भी है ना, मुर्गी मसाला, अंडे, उबले अंडे और मटन बिरयानी। मुझ पर इतना प्यार। कुछ नहीं है भैया, इतना सब बनाने का मन था लेकिन समय नहीं मिला, इसलिए दाल चावल ही बनाया। कम से कम चिकन तो बनाना चाहिए था ना। चिकन तंदूरी। जरा देखो तो। अबे ओ, ये मुर्गी मर चुकी है, कहीं भाग नहीं जाएगी, आराम से खा। ज्यादा खा सकूं इसके लिए जल्दी खा रहा हूँ। नमस्ते। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? दर्द, प्यार का दर्द। प्यार? किससे प्यार किया? भाई वो कोल्ड ड्रिंक देना, मुझे प्यास लगी। बोलिए ना भैया। तुझसे प्यार किया था, फालतू में भैया भैया बोल रही है। सुन, ये भी गुंडा, मैं भी गुंडा। वो थोड़ा अच्छा दिखता है, छोड़ना, थोड़ा सुंदर भी है, लेकिन मैं भी कम नहीं दिखता है क्या? देख, प्यार के लिए दिल चाहिए होता है, सुंदरता नहीं। क्या बे? अरे क्या ये बकवास कर रही है? तू भी यार, अभी इसको जाने को बोल। जाना यहाँ से, जा निकल, जा। डैडी का फोन। डैडी। अंजलि, कहाँ हो तुम? मैं ट्रैफिक में हूँ डैडी। जल्दी से आ जाओ। हाँ, आ जाऊंगी। ओवर स्पीड गाड़ी मत चलाना। नहीं चलाऊंगी डैडी। अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? डैडी से अब तक मैंने कुछ नहीं छुपाया, ऐसे में डैडी से पहली बार झूठ बोला है मैंने। अरे वाह, प्यार करोगी तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। ए, ऐसे भी अंजलि टेंशन में, बकवास मत कर। ओके, सारे लोग टेंशन में हो ना, सारी प्लेटें मुझे दे दो। अरे क्या है? बस 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 बस, बस। यहाँ रुक जा, एक फ्रेंड से मिलना है। ओ, गर्लफ्रेंड है? तुम्हें सब कुछ पता है? मेरा हाय हेलो बोलना। ठीक है, जाओ। ए, ढक के रखना। अरे बंठन के खड़ी हूँ, जरा इधर तो देख, सुनता ही नहीं। हेलो, उसके बाद मैं भी लाइन में हूँ। तेरी तो। अच्छा भैया, राजू, मैंने जानबूझकर नहीं बोला था भाई, तू अंदर चल, मैं पता। यहाँ माहौल ठीक नहीं है, कहीं और जाते हैं। हेलो, नहीं नहीं, मैंने ही नशे में थोड़ा उल्टा सीधा भग दिया, मुझे सॉरी बोलना होगा यार। अब बोल दिया ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी को यहाँ पर छोड़ा था, आपको पता है वो किधर गए? वो उधर गया है। थैंक्स। अरे अरे, मेरे पैसे तो देते जा, मुझे के बात तो खेलते समझ रखा है तूने। हाँ, अरे तेरी तो मैं दे। अरे रोज आता हूँ। अंजलि, अंजलि, तुमसे मैं, रुको, यहाँ क्यों आई थी? तुम यहाँ क्यों आए थे?
ओ, अभी से पीछा करने लगी? हाँ, पीछा ही करना समझ लो, लेकिन तुम्हारा यहाँ क्या काम? दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मुझसे झूठ बोल रहे थे। अरे सच में मेरा दोस्त यहाँ रहता है। ओहो, तो तुम्हारा दोस्त ऐसी गंदगी में रहता है, तुम्हें क्या लगा मैं मान जाऊंगी? वो अपना शेखर है ना, वो यहीं रहता है, किराया कम पड़ता है इसलिए। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं मानने वाली। हाय भैया, शेखर से मिलने गए थे ना? तुम्हें कैसे पता चला? कॉलेज जाने के लिए ये शॉर्टकट है भैया, हमेशा शेखर भैया को मैंने यहीं पर देखा है। ए, शॉर्टकट हेयर कट छोड़, सीधा बस पकड़ के या रिक्शा पकड़ के जाने का, समझ गई? ठीक है जा, अब क्या है? ओ अंजलि, ये मेरी बहन स्वाति। हाय, आपके बारे में भैया बहुत बातें करते हैं। चल निकल, हमेशा बक बक करती रहती है। भैया आपकी भूतनी बहुत अच्छी है। अंजलि फोन। अंजलि सब तुम्हारा इंतजार कर रहे। मैं मर गई ऐसा बोल दो ने, लड़के वाले चले जाएंगे। लड़के वाले आए? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। अरे एक बार जरा फोन तो कर। आपने लड़की को हमारे बारे में बताया था या नहीं? बताएंगे क्यों नहीं? बताया था ना, तो फिर अब तक वो आई क्यों वो नहीं? फोन कर तो रहा है ना। वो देखो आ भी गई, आ जाओ बेटी आ जाओ। क्या हुआ? ये मेरी बेटी है। तो ये है आपकी बेटी। लड़का देखने के लिए इतनी लेट आई हो, शादी पर टाइम पर आओगी या नहीं? हाँ करेक्ट, क्या बात बोली है। मैं बहुत ही डिसिप्लिन वाली हूँ, लेकिन मुझे तुम में डिसिप्लिन नजर नहीं आता। करेक्ट, क्या बात कही है? मैं बात कर रही हूँ ना, तुम चुप रहो। सॉरी गलती हो गई। यहाँ से तुम्हारा कॉलेज कितना किलोमीटर दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ना, तो आधे घंटे में घर आ जाना चाहिए था। इन 2 घंटों में तुम कहाँ कहाँ घूम कर आई हो? ये आप क्या कह रही हैं? डोंट मिस्टेक, कल को ये मेरे घर की बहू बनकर आएगी तो मैं यही बात पूछूंगी। मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मैं खुद कॉलेज में पढ़ाने वाली प्रोफेसर हूँ, ऐसी लड़कियों के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ। कंप्यूटर क्लास है, स्पेशल क्लास है, ये है वो है कहकर बहाना बनाकर बॉयफ्रेंड की बाइक के पीछे बैठकर बाहर के रेस्टोरेंट में चिपक चिपक कर घूमते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा पूछा। सुना तूने, अभी से ऐसी बातें करेंगे तो हो गई शादी। तू रुक ना जरा। मैडम आप गलत समझ रही हैं, हमारी बेटी ऐसी नहीं है, लाड़ प्यार से पाला है। लाड़ प्यार से तो पाला होगा, लेकिन अकल नहीं है इसमें। मेरी बेटी के बारे में और कुछ बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम औरत हो। आपने कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ए मिस्टर, आई वांट रिस्पेक्ट। अरे काय का रिस्पेक्ट तू, चल निकल। ये क्या डार्लिंग, हम लोग इज्जत से आए थे, ये बेइज्जती कर दिए। अपना मुंह बंद करो, चल यहाँ से। मैडम मैडम, ए सुनो, औरत हो? आग लगाने वाली पेट्रोल है पेट्रोल। ये क्या बोल रहा है तू? ऐसे लोगों को भगाकर ठीक किया भाई साहब। भगाना नहीं, उन्हें तो मारना चाहिए था। ए ये सब क्या है, मुंह बंद कर अपना। वो लोग टेंशन में थे ना? काय का टेंशन में थे, मेरी बेटी बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है ऐसा बोला। अरे सॉरी डैडी। सॉरी किस लिए? मैंने आपसे एक झूठ बोला था। तू क्या झूठ बोलेगी बेटी? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। अगर ये प्यार है तो अपने प्यार का गला घोंट दो। प्यार है प्यार, पता है ना तुम्हारा बाप तुम्हें कितना प्यार करता है, इसने तुम्हारे लिए आखिर क्या क्या नहीं किया है, और तुम उसके प्यार का ये सिला दे रही हो। बेटी एक बार इसकी तरफ देखो, देखो बेचारा कैसा टूट गया है। डैडी, मेरी शादी किसी अच्छे लड़के से करवाने के बाद क्या गारंटी है कि वो बुरा नहीं होगा? और अब राजू बिल्कुल सुधर गया डैडी, वो दोबारा बुरा आदमी नहीं बनेगा। डैडी डैडी, अगर मुझे कुछ हुआ तो आप परेशान हो जाते हैं ना, लेकिन राजू तो मेरे बगैर मर ही जाएगा। डैडी, अगर हम दोनों के रिश्ते को प्यार कहा जाएगा तो ये एक बहुत छोटा सा शब्द होगा। डैडी आपको आपको कैसे? डैडी वो मेरी वजह से बदल गया है, उसकी वजह से और लोग भी सुधर गए। मैं उस दिन कितनी खुश हुई थी पता है? मैं आपको ये बात कैसे कहूँ, कैसे कहूँ डैडी? डैडी प्लीज, डैडी डैडी प्लीज मान जाइए ना डैडी प्लीज। बहन जी शगुन की थाली अदली बदली कीजिए। ओम सतीना है इंद्र वृद सेवा सतीना पूखा विश्ववेदा सतीना स्ताक्षर्यो अरिशने में सतीना विरस्तत्र तधातु। साक्षात लक्ष्मी लग रही है। हाँ हाँ, अब तुम्हारी बहू जो आ गई ना तो हम कैसे अच्छे लगे। अंजलि तुम्हारे लिए फोन। बात कर लो बेटी। अच्छा ए ये क्या, क्यों नहीं आई तू? अब सब ठीक है ना डैडी? फोन। हेलो, मैं शेनू बोल रही हूं। तुम ठीक हो ना? हाँ अंकल मैं ठीक हूं। तुम सगाई पे क्यों नहीं आई? वो काम की वजह से नहीं आ पाई।
उसका लड़के का नाम क्या है? उसका नाम राजू है। क्या काम करता है वो? वो काम ए, मैनर्स नहीं है क्या? कितनी बार बताऊं तुझे, पहले वो एक गुंडे थे और अब सड़क पर डॉल्स बेचते हैं, सड़क के चौराहे पर, बस ठीक है ना? और कुछ सुनना है तुझे? फोन रख। सर आपसे एक बात कहनी है। बोलो बेटा। मतलब जब तक मुझे कोई ढंग का काम नहीं मिल जाता उसके बाद शादी रखे तो? मैंने अपनी बेटी के प्यार के बारे में सोचा था और तुम मेरी इज्जत के बारे में सोच रहे हो। सबको दामाद मिलते हैं लेकिन मुझे बेटा मिला। आंटी आओ बेटी आओ, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं, इसीलिए आ गई मैं। वो नहीं है बेटी। ओह पता है उनकी जॉब लग गई है, अपने हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर देने आई थी मैं। अच्छा? हाँ। कहाँ गए हैं वो? शेखर के घर। तो मैं भी वहीं जाती हूँ। तुम उसको जानती हो? मैं जानती हूँ। अरे आंखें फूट गई है क्या? होने वाली बहू पहली बार आई है, उस पर गंदा पानी फेंक रही है। कोई बात नहीं आंटी, माफ कर। बाय आंटी। पता नहीं कहाँ से। अंजलि अंजलि मेरी बात मानो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से उधर मत देखना, प्लीज प्लीज जाओ। उसे मत मारो, रुको। मेरा बेटा बहुत बड़ा नेता है क्या? उसको छोड़ दूं? ए कांस्टेबल हटाओ इनको। ए चलो पीछे हटो, चलो बांध इनको, छोड़ो उसे, कुछ नहीं होगा। अब बैठो यहां, अब बैठो यहां, बैठो यहां, मैं बात करता हूं, बैठ जा। चुपचाप बैठना मेरे को। ए बाबा जी आ रहे हैं। किसने मेरे आदमी को पकड़ के अंदर किया रे? तूने? ए किसी को अरेस्ट करने से पहले वो कौन है क्या है सोचता नहीं है क्या? ए बाबा के आदमी को अरेस्ट करके अंदर करने का मतलब है खुद इस बाबा जी को अरेस्ट करना, समझ गया तू? अब मैं शहर में क्या मुंह दिखाऊंगा रे? अपना चेहरा बाजू में छुपा कर घूमूंगा? आपके पास काम करता है? काम नहीं करता है वो, भले मेरे पास काम नहीं कर रहा लेकिन वो यहाँ पर है। बोल ताला। चलो आ जाओ, आ जा, गाड़ी बढ़ाओ। भी अच्छा सोचो लेकिन कुछ लोग धोखा दे ही देते हैं ना अंकल। मुझ पर आपका पूरा हक है, मुझे मार दीजिए, मैंने आप लोगों को शर्मिंदा कर दिया। मुझे थोड़ा जोर देकर समझाया होता, इस जन्म में तेरी शक्ल नहीं देखेंगे यह कहकर डराया होता, तब शायद मैं आप लोगों की बात मान जाती। अंजलि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटी, तुम्हारा समय अच्छा था इसलिए शादी से पहले उसकी असलियत सामने आ गई। उसे भूल जाओ, कभी उसका नाम भी याद मत करना। डैडी आपने मुझे इतने प्यार से क्यों पाला? थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर पाला होता मुझे, उसके पास कुछ ना होने पर भी आप मेरी शादी उससे करने पर कैसे राजी हुए? उस गंदे गमार से शादी की तो मैं मर जाऊंगा कहकर धमकी दी होती आपने। आपके प्यार की वजह से ही ऐसा हुआ, आज अगर माँ होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने अपनी जिंदगी खुद ही बिगाड़ ली डैडी। बेटी इतनी परेशान क्यों रही हो? अपने पापा की बात छोड़ो, आगे से जो होगा मैं संभालूंगा, देखती जाओ तुम, बस देखती जाओ कैसे मैं तुम्हारी शादी करता हूँ। नहीं अंकल नहीं, नहीं मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे बस अपने डैडी ही चाहिए। डैडी मुझे बस आप ही चाहिए, जब तक आप मेरे साथ हो मैं आपका चेहरा देख कर ही जी लूंगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। क्या क्या हुआ जो उसने धोखा दिया? शायद मेरे नसीब में ही ये था, अगर मुझसे गलती हुई है तो उसकी सजा भी मुझे ही मिलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
I'm all right. I'm all right. Nothing has happened. Nothing has happened. Daddy, थोड़ा सर में दर्द सा है, जरा कॉफी बना देंगे प्लीज? बेटी, ए, जो हुआ जाकर बता दे, जा। ए, क्या है रे? अंजलि क्या सोच? मार डालूंगा तुझे मैं। अभी अगर तू सच नहीं बोलेगा तो अंजलि तुझे इस जन्म में कभी नहीं मिलेगी। चलकर सच बोल दे। ए, क्या हुआ? चल अंदर। चल देखते हैं। ये शोर कैसा है? मैं देख क्या हुआ? अरे, ये कैसे हुआ? क्या हुआ रे? के पापा ने फांसी लगा ली। क्या? पापा दिखता नहीं है क्या? सोचा न था टूटेंगे सपने, सोचा न था छा जाएगा जीवन में अंधेरा छा जाएगा। ये क्या हुआ, हुआ ये क्यों, क्या था कसूर पता न चले, जिया न जाए मरा न जाए सांसे न जाने क्यों ये चले। सोचा था ये बीतेगी साथ में तेरे मेरी जिंदगी। हो अंजलि, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है बेटी। मेरी बात मानो बेटी, वो गुंडा है शराबी है बोलोगे तो मान लूंगी, लेकिन वो ऐसा नीच हरकत करेगा मैं नहीं मान सकती। ये आपके बेटे का मोह है जो आप ऐसी बातें कर रही हैं। पहले मेरी बात तो सुनो बेटी, वो इंसानियत को इतनी अहमियत देता है, फिर भी मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया, लेकिन हम पर स्नेह की वजह से हमें छोड़कर नहीं गया, मंदिर में अनाथ की तरह पड़ा रहा वो। आप कुछ मत बोलिए, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अपनी आंखों पर भरोसा करूं या आपकी बात पर? अपने प्यार पर भरोसा करो बेटी, तुम्हारे प्यार ने ही उसे सुधार कर हमारे करीब ला दिया। देखो बेटी, अगर मेरी वजह से तुम दोनों एक हो गए तो मुझे खुशी होगी। एक लड़की की माँ हूँ इसलिए ऐसा कह रही हूँ। मेरी बात मानकर जो हुआ उसे बुरा सपना सोचकर भूल जाओ। अंजलि रुके, आप यहाँ क्यों आई हैं? चली जाइए यहाँ से। आप तो समझदार हैं, आप तो समझिए। आप यहाँ से चली जाइए, आगे से कभी मत आना।
मैं जानता था अंजलि तुम मुझे जरूर समझोगी। हाँ धीरे धीरे मैं सब समझ रही हूँ। आखिर में बेशरम बनकर माँ से सिफारिश करवाने के लिए उन्हें मेरे पास भेज दिया। अंजलि मतलब मेरी माँ तुम्हारे... हाँ, तुम्हारी माँ जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूलने के लिए कहा। बिन माँ की मैं जिसका एक सहारा मेरे डैडी थे उन्हें मैं बुरा सपना समझकर भूल जाऊँ। मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेरे डैडी इस शादी के लिए मान गए थे उसे बुरा सपना समझकर भूल जाऊँ। बोलो अब मेरे पास मेरे डैडी नहीं है उसे बुरा सपना समझूं। उसे ही क्यों अब से मैं अपने प्यार को ही बुरा सपना समझूंगी। अंजलि कुछ मत बोलो तुम मैं तुम लोगों के नाटक में फंसने वाली नहीं हूँ। परसों मेरी सगाई है आगे से कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। सा चेहरा तेरा ये प्रेम मुझे ले आया कहाँ मैं जाऊँ जहाँ तेरी याद है वहाँ जाने क्या से क्या हो गया मेरा सपना हर टूट गया। दर्द सहा ये जाए ना चैन कहीं अब आए ना ऐसा हम बिन तेरे मेरी दुनिया में है अंधेरा अंधेरा है अंधेरा। आज भी मेरे नाम लिखा तेरा है सीने में आज भी मेरे हाँ बसा चेहरा तेरा। दिल पे आज भी मेरे नाम लिखा तेरा है सीने में आज भी मेरे हाँ बसा चेहरा तेरा। सुकून था दिल को सनम तेरी बाहों में सपने सारे मेरे टूट गए हैं हम तो तन्हा रह गए हैं। देखो जहाँ भी वहाँ मुझे तो चेहरा तेरा ये नजर आए नजर आए नजर आए। दिल पे आज भी मेरे नाम लिखा तेरा है सीने में आज भी मेरे हाँ बसा चेहरा तेरा। ये प्रेम मुझे ले आया कहाँ मैं जाऊँ जहाँ तेरी याद है वहाँ जाने क्या से क्या हो गया मेरा सपना हर टूट गया। बदले मौसम ये बदले नसीबा मेरा ना क्यों बदले
तन्हा तू तो छोड़ गई, पल दो पल का साथ देके तोड़ दिया दिल क्यों मेरा, सपने मुझे दिखा के तरस रही है आंखें मेरी, एक झलक तू दिखला दे, तेरे बिना ये सारी दुनिया वीरानी सी मुझे लगे, मुझे लगे, मुझे लगे, दिल पे आज भी मेरे नाम लिखा तेरा है, सीने में आज भी मेरे हाँ बसा चेहरा तेरा, ये प्रेम मुझे ले आया कहाँ, मैं जाऊँ जहाँ तेरी यादें वहाँ, जाने क्या से क्या हो गया मेरा सपना हर टूट गया, दर्द सहा ये जाए ना, चैन कहीं अब आए ना, ऐसा हम बिन तेरे मेरी दुनिया में है नारायण के गुंडों ने मुझे मारने की कोशिश की थी, सही समय पर राजू ने आकर मेरी जान बचाई। देख लो इसको, ये आजकल काम पर ही नहीं है, लेकिन काम करके आया है। तुम लोगों को एक काम बता दो, ऐसे थोबड़ा झुकाकर खड़े हो जाते हो, से अब तक कुछ सीख लो तुम लोग। ए, डराने वालों को ही नहीं, मुझे अगर कोई डराने यहाँ पर आ जाए ना तो उसको भी मैं टपका दूं। आज इस पोजीशन पर हूँ मैं, नहीं तो अब तक टपका कर चले गए होते लोग मुझे। ए, राजू इन बेवकूफों ने क्या काम किया है पता है? हमारे पास जो ड्राइवर काम करता था वो बाहर की खबर भी देता था, उसे पुलिस ने इंक्वायरी के नाम पर बुलाकर
लॉकअप में कुत्ते की मौत मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी घरवाली के ऊपर धंधा और चर्च का केस बनाकर उसे भी अंदर कर दिया। उसे टपकाने के लिए इन्हें वहाँ भेजा तो वापस आकर कहते हैं कि वो भाग गया, हाथ हिलाते हुए आ गए यहाँ। हरामखोर सब, हरामजादे। मैंने उसके हाथ पर और पीठ पर छुरा मारा था बाबा जी। ये तो उससे भी बड़ी गलती की। खाकी वर्दी वाले पर हमला करो तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाकर अब हम सबको अंदर कर देगा वो। बाबा जी वो केस नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। तो बनवा लेगा। कहाँ से बनवाएगा? प्राइवेट या गवर्नमेंट, किसी भी हॉस्पिटल से बनवा लेगा। प्राइवेट का नहीं माना जाएगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लेगा। इस एरिया में कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं? दो। उन दोनों में से एक जगह मिल जाए। इसीलिए तो इसीलिए कहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। लेकिन तुम हो कि माँ ने ये कहा, बहन ने वो कहा, ऐसा वैसा कहकर मुझे छोड़कर चले गए। अब नहीं जाऊंगा। सर ये तो हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। रुक जा। रुको, कहोगे तो रुक जाऊंगा। मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है बे। मैंने भी नहीं पहना है। मैं तुझे पकड़ूंगा, उससे मुझे प्रमोशन मिलेगा, उस पैसों से मुझे अंडरवियर खरीदना है बे। तब तो इस जन्म में तू कभी अंडरवियर नहीं खरीद पाएगा। सॉरी भाई, सॉरी। क्या हुआ? कहते हैं आप बेसहाराओं का सहारा। मेरे पीछे पुलिस वाले आ रहे हैं। अगर वो यहाँ पर आकर पूछे कि मैंने आपके कान में क्या कहा तो आप कुछ मत बताना। अच्छा तो मैं चलता हूँ। बस कुछ मत बताना। तू नहीं बोलेगा तो क्या मैं नहीं बोलूंगा? मैं तो सच बोलूंगा। सुनो, वो एक चोर है। बताओ उसने तुम्हारे कान में क्या कहा? आप अगर आकर पूछोगे तो नहीं बताऊंगा कहा। तो क्या कहा उसने? यही कहा सर। वो नहीं भाई, कुछ ना कहूँ ये कहा। वो आया था ना? आया था। उसने कान में कुछ कहा? हाँ कहा। वही क्या कहा? कुछ नहीं बोलने को बोला। वही क्या कहा बताओ? आप अगर पूछोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊँ ये कहा सर। क्या कहा था? आपको कुछ भी नहीं बोलने का सर। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? वही कहा था सर, वही कहा था सर, वही कहा। और बता क्या कहा था? तेरा हाथ तो यही रह गया। अरे लाल, आई लव यू। ए, अब क्या कहा उसने? वो क्या कहा बताऊं? हाँ, जरा पास आओ। आई लव यू बोला। अरे बाप रे। ए, तुम लोगों को एक बात कहनी है। सारे लोग लाइन में लग जाओ। ए राजू। बाबा जी। तू क्यों लाइन में लग रहा है? इधर आ। ये कपड़े सबको बांट दे। मैंने कितने भी बुरे काम क्यों न किए हो, लेकिन मैं खुश रहता हूँ, और आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। पता है क्यों? हम में से एक प्यार करने लगा है। तू क्यों रुक गया रे? तू बांटना। उस लड़की का नाम अंजलि है। फिर रुक गया तू? बांटना। वो जिससे मोहब्बत करता है वो किसी और से शादी करे, ये हम होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। इतनी देर से मैं ऐसे ही भौंके जा रहा हूँ। किसी ने उस लड़के के बारे में पूछा कि कौन है वो? क्यों राजू, तूने मुझे पहले क्यों नहीं इस बारे में बताया? कि बाबा जी मुझे उठ रहे, वो लड़का अपना बसंत है। राजू की बदौलत अपने वसंत ने उस लड़की को देखा था, इसीलिए राजू के हाथों तुम सबको कपड़े दिलवा रहा हूँ। तुम सब लोग नए कपड़े पहनकर आ जाओ, हम जाकर रिश्ता पक्का करके आते हैं। ए, चलो उतरो उतरो उतरो। राजू तू भी उतर ना। नहीं बाबा जी आप जाइए, मैं यही हूँ। देखो तो जरा इसे कैसे शर्मा रहा है। शादी तेरी नहीं हो रही है, मेरे वसंत की हो रही है। चला जा। अरे आजा आजा। नमस्कार जी, मेरा नाम बाबा जी है। आपने सुना होगा, मेरा इकलौता लड़का है, नाम है बसंत। क्या चाहते हैं आप? अब मैं क्या बताऊं, हमारे टाइम की बात अलग थी। आजकल तो प्यार वार का दौर चल गया है, लड़कियां खुद पसंद कर लेते हैं। मेरे लड़के ने भी ऐसा ही किया है। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में ली आपके भाई की बेटी, ये शायद वही लड़की है। ए राजू इधर आ। बसंत ने जिसे पसंद किया था ये वही लड़की है ना? महालक्ष्मी दिखती है, मेरे बेटे का सिलेक्शन सुपर है। अंकल इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए। रुको बेटी, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया, मुहूर्त भी निकल आया। रिश्ता ही पक्का हुआ है ना, शादी तो नहीं हुई ना। तो उसे तोड़कर आपके लड़के से शादी करनी होगी।
करेक्ट, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। तुम क्या गुंडागर्दी दिखा रहे हो? सच का, मैं गुंडा ही हूँ। मैं ही नहीं, ये सूरज, लल्ली, शेखर, भास्कर, जया और ये राजू भी सारे गुंडे ही हैं। क्योंकि हमारा काम ही वो है। लेकिन एक बात है, मैंने अपने बेटे बसंत को ऐसे नहीं पाला है। उसने क्या पढ़ा है रे वो? कंप्यूटर, ये वो, न जाने कितनी ऊंची पढ़ाई की है। शादी के बाद आप दोनों को मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। अमेरिका, जापान, जिस भी देश में रहना चाहते हो उस देश में जाकर खुशी से रहो। चाहे जितना भी खर्चा हो ये बाबा जी देख लेगा। लेकिन ना मत कहना बेटी, तुम्हारी ना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरे बेटे ने जो चाहा है वो होना चाहिए बस। ये सब हमें मत बताइए। मैंने कहा ना, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, आप जाइए। मुनीम जी। जी बाबा जी। वो सारा सामान वहां रखवा दीजिए। देखिए, मैंने अपने बेटे के लिए संजीलि को पक्का कर दिया है। पंडित से बात करके शादी की तारीख की खबर आपको पहुंचा दूंगा, आप भूलिएगा मत। और बेटी, तुम्हारे चाचा जी इतनी देर से सिर्फ मना कर रहे हैं, लेकिन तुम आखिर तक बिना बोले खड़ी हो। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद आई। चलता हूँ अब मैं। अच्छा जी, नमस्ते। चल रहे, चलो। क्या रे, अब यहाँ क्या खड़ा है? एक मौत से दिल नहीं भरा, अब हम सबको मानना चाहता है तू? निकल जा, सर, निकल जा यहाँ से। नहीं, निकल जा रास्कल। क्या हुआ पापा? मैंने रिश्ता पक्का कर दिया है, अब बस शादी करनी बाकी है। हे, आज तुम लोगों को कोई काम नहीं है। सारे लोग मजा करो, नाचो, गाओ, ऐश करो, खूब ऐश करो। हे सूरज, वो गाना गाने वाला कहाँ है? रानी की है शादी, नाचो रे, हाँ खुशी मनाओ, आज सारे झूमो रे। और बम्ब की है देखो ये आइटम, डांस इसका मस्त, ये देखो रे। शादी है भाई शादी है, यार की मेरे शादी है। शादी है भाई शादी है, यार की मेरे शादी है। राजा रानी की है शादी, नाचो रे, हाँ खुशी मनाओ, आज सारे झूमो रे। डांस कर लो कुड़ी के संग, शादी की है शुभ घड़ी, और ले लो मजे, आज खुल के कुड़ी है ये मस्त बड़ी। कर लो कुड़ी के संग, शादी की है शुभ घड़ी, और ले लो मजे, आज खुल के कुड़ी है ये मस्त बड़ी। पतली कमर इसकी देखो ये जरा, शोखदा इसकी देखो ये जरा, और जलवा इसका रूप, इसका पागल कर देगा यारा, पागल कर देगा। राजा रानी की है शादी, नाचो रे, हाँ खुशी मनाओ, आज सारे झूमो रे। की है देखो रात, लड़के सारे हैं जगे, भूल नाच भूल शर्म, पीछे इसके है लगे। शादी की है देखो रात, लड़के सारे हैं जगे, भूल नाच भूल शर्म, पीछे इसके है लगे। जवा हो या बूढ़ा हो, जवानी सब पे चढ़ी, जवा हो या बूढ़ा हो, जवानी सब पे चढ़ी, गाँव सारा झूमे, आज सब पे मस्ती है चढ़ी। लुट दिल सबका देखो ये कुड़ी, राजा रानी की है शादी, नाचो रे, हाँ खुशी मनाओ, आज सारे झूमो रे। बदली बदली देखो चाल, आज है कुवारों की शादी के बहाने, आज मौज है कुवारों की।
बदली देखो चाल आज है कुवारों की शादी के बहाने आज मौज है कुवारों की जम के करो हंगामा शोर शराबा करो जम के करो हंगामा शोर शराबा करो भाई है जब साथ अपने कोई क्या बिगाड़ेगा कौन हमें रोकेगा राजा रानी की है शादी नाचो रे हाँ खुशी मनाओ आज सारे झूमो रे चढ़ के देखो आज दूल्हा राजा आएगा अपने सपनों की रानी को साथ बोले जाएगा घोड़ी चढ़ के देखो आज दूल्हा राजा आएगा अपने सपनों की रानी को साथ बोले जाएगा मुंबई की आइटम ने दिल को खुश कर दिया अरे मुंबई की आइटम ने दिल को खुश कर दिया जोश मुझको भी चढ़ा मैं भी होश खोने लगा जोश मुझको भी चढ़ा मैं भी होश खोने लगा राजा रानी की है शादी नाचो रे हाँ खुशी मनाओ आज सारे झूमो रे और बॉम्बे की है देखो ये आइटम डांस इसका मस्त ये देखो रे शादी है भाई शादी है यार की मेरे शादी है भाई शादी है अपना माइक पीछे रख दे ओए तुझे रोना भी नहीं आ रहा है क्या हा? मुझे तो आ रहा है तू भी यार ए राजू बाबा जी ने काम दिया चल चलते चल ना चलो यार राजू वही है वाह क्या मारा है हमारे बसंत की अंजलि चाहिए इसे हैं देख क्या रहा राजू मार साले को ए राजू अंजलि से शादी करनी है इसको अब इसका थोबड़ा बदल देता हूँ रुक जा रहे इसे ऐसे छोड़ा तो बाबा जी हमें काट डालेगा ए, अगर ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुझे काट डालूंगा राजू बाबा जी को मैं कह दूंगा तू जा जाना ए, ए, इसे हॉस्पिटल लेके जा ठीक है भाई बताओ बेटा क्या हुआ था पता नहीं क्या हुआ अंकल जब मैं चाय की दुकान में था वहाँ चार लोग आए उनमें से एक ने सर पर जोर से ईंट मारी अब उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं तुमने किसी से झगड़ा किया था क्या पापा आप मेरे बारे में जानते नहीं क्या मैं किसी से क्यों झगड़ा करूंगा तो उन्होंने तुम्हें मारा क्यों कौन थे वो लोग वो कौन थे पता नहीं लेकिन ऐसा लगता है वो हमारी शादी से खुश नहीं है बेटा तुम उन्हें पहचान लोगे ना हाँ जिसने मुझे मारा था उसे कुछ लोग राजू राजू कहकर बुला रहे थे उसके बाद वो अंजलि शादी ये सब बात कर रहे थे फिर मैं बेहोश हो गया सर मुझे बहुत डर लग रहा है पापा आप चिंता मत कीजिए अंकल आप कोई टेंशन मत लीजिए ऐसी हरकतों से मैं डरने वाला नहीं हूँ अंजलि से मेरी शादी जरूर होगी बस बस रोकिए ऑटो यहीं रोकिए क्यों मारा तूने मुझे किसी और से शादी करके जीना नहीं देगा अंजलि तुम चुप रहो तुझे प्यार करने की वजह से मेरे डैडी मुझसे दूर हो गए जो शादी करने वाला है उसे तूने ईंट से मार दिया अगर तुझे मुझ पर गुस्सा है तो मुझे मार ना मुझे मार बेटी चलो यहां क्या वो तेरा मालिक क्यों ना हो कोई भी अगर मेरी शादी के बीच आएगा ना तो मैं उसे जान से मार रुक जाओ बेटी रुक जाओ इन लोगों से हमारा बात करना ही बेकार है इन्हें माँ और बाजार औरत का फर्क ही नहीं पता किसे फर्क नहीं पता है किसे फर्क नहीं पता चल बेटी सुन ली ना उसकी बात तूने इसीलिए मैंने उसी दिन बोलने को कहा था साला अपनी भी क्या किस्मत है यार अपनी
होता नहीं उस पे भरोसा, सच देखा है जो मैंने, अब न बचा कोई रास्ता, खोया सब कुछ ही मैंने। ओ जान मेरी तू ही बता कहाँ जाए, हम कैसे भुला दे पल जो तेरे साथ बिताए, ये यादें जो तेरी मुझे तड़पाए, ये जान मेरी लेके जाए, जिंदगी ना अब ये जी जाए, ये दर्द ना अब तो सह जाए, होता नहीं उस पे भरोसा, सच देखा है जो मैंने, अब ना बचा कोई रास्ता, खोया सब कुछ ही मैंने। आपको पुलिस स्टेशन में आने में शर्म आ रही है? बाबा जी के सामने कैसे खड़े रहोगे? तो क्या उनकी धमकी सुनकर चुपचाप बैठे रहे? नहीं तो क्या लोकसभा में बहस करोगे या फिर राज्यसभा में जाओगे? मास्टर जी आप कहीं भी जाओ आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। सुनकर भी अनसुनी कर देंगे सर। प्रॉब्लम बताएंगे तो सुनेंगे नहीं, हम मिडिल क्लास वालों की यही मजबूरी है। हम भी मिडिल क्लास वाले हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं मास्टर जी, इस पूरी मुंबई में सिर्फ बाबा जी के लोग ही बैठे हैं हर जगह। उसके पास हजारों लोग हैं। हमारी मानो तो अपनी बेटी की शादी उनके लड़के से कर दो, इसी में भलाई है। कुछ मत सोचिए मास्टर जी, उसके सामने खड़े होने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मैं करता हूँ ना तुझे। हाँ आओ राजू आओ। उस दिन उस लड़के को मारने को कहा था, छोड़ कर आ गया। अब देखो परसों ही उसकी शादी है, उसी दिन उस लड़की की मेरे बेटे बसंत से शादी होनी है। तुम जाकर एक मंगलसूत्र खरीद कर लाओ। नहीं बाबा जी। क्या मना कर रहा है, शादी या मंगलसूत्र? शादी। क्यों रे? क्योंकि हम अपने वसंत के लिए कोई दूसरी लड़की देखेंगे बाबा जी। क्यों, वो लड़की अच्छी नहीं है क्या? वो बहुत अच्छी तो लड़की फिर? है। जब खुद ही कह रहा है लड़की अच्छी है तो उन दोनों की शादी जल्दी करवा देनी चाहिए, अपने वसंत को प्यार हो गया है ना। लेकिन वो लड़की तो प्यार नहीं करती ना। इस जमाने की सारी लड़कियां ऐसा ही करती है, शादी के दो तीन महीने तक ऐसा ही रहेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। अपने वसंत को पसंद है ना। लेकिन फिर भी रहने दीजिए बाबा जी। आज इस तरह की बातें क्यों कर रहा है रे? हर बात का जवाब पर जवाब दे रहा है। राजू उस लड़की से मेरा वसंत शादी करना चाहता है, उसकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। ये नहीं होगा बाबा जी। क्यों बे, आज तू पागल तो नहीं हो गया कहीं? ए देख तो सुबह सुबह चढ़ाकर तो नहीं आया है, हा? क्यों नहीं होगा बता। मैं नहीं होने दूंगा। ए, क्यों नहीं होने देगा, क्यों नहीं होने देगा? राजू तू किससे बात कर रहा है ये जानकर बात कर रहा है ना, हा? उनकी सपोर्ट कर रहा है तू? वो तेरे रिश्तेदार है क्या? नहीं बाबा जी, लेकिन मैंने उन्हें अपनी जबान दी है। मतलब हमारे होते हुए उनकी शादी करवाएगा? हाँ परसों ही उनकी शादी होगी, वो भी उसी लड़के के साथ होगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। एए! बाबा जी भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। साथ देने वाला कोई ना तेरा यहाँ, प्यार करने वालों का दुश्मन है ये जहाँ, दम है जिसमें लड़ने का वही जिंदा रहा, सच्चाई पे चलने वाला जीत ना सका, आग लगाने वाला खुद भी यहाँ जल जाता है, आग लगाने वाला खुद भी यहाँ जल जाता है। राजू यार जैसा बोल कर आया, इतना आसान नहीं है बाबा जी का रहते करना। राजू उस बाबा ने अगर हमें बीच सड़क पर मार दिया तो हमारी लाश देखने के लिए कोई नहीं आएगा, मेरी बात समझ। अरे तू पागल हो गया क्या, किसी और की शादी के लिए इतना रिस्क क्यों उठाएगा तू? छोड़ रहे, प्यार करने का मतलब प्यार करने वाली लड़की से शादी करना नहीं होता, सिर्फ उस लड़की की खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। और हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम लोग जाकर बाबा जी के पास रहो। राजू भाई एक चाय देना। चार चाय दो भाई। राजू आखिर हम लोगों को मरना ही है तो किसी अच्छे होटल में जाके चिकन बिरयानी खाते हैं यार। तू चुप कर राजू। यार तू ये शादी कैसे करवाएगा? हे वो अपने लड़के को बहुत प्यार करता है, अगर उसकी जान को खतरा होगा तो शादी रुक जाएगी। हम लोग एक प्लान बनाएंगे, बाबा जी के लड़के को उठा लेंगे। इस बाबा जी के जाल से निकल पाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन वो इस बाबा जी को धमकी दे गया, कर देगा वो ये? वो आपका क्या उखाड़ेगा बाबा जी, आप तो पैदाइशी गुंडे हैं। अरे उसको पैदा हुए तो जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं, वो आपका क्या कर लेगा? नहीं 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 वो जरूर कर लेगा, क्योंकि उसमें वो ताकत है। हाँ वो शादी होने के लिए वो लड़की चाहिए ना।
हाँ चाहिए। हाँ चाहिए। वो लड़की क्या होनी चाहिए? ए, किसी को मत छोड़ना, सबको उठा लो। घर में कोई नहीं है भाई। ए, ठीक से ढूंढा कि नहीं? सारा घर छान मारा भाई, लेकिन कोई नहीं मिला भाई। भैया बाबा जी, क्या हुआ? तुम लोग खाली हाथ क्यों आ गए ऐसे? कहाँ है लड़की? वो लड़की वहाँ नहीं है, हमने सारा घर छान मारा। तुझे भी नहीं पता? नहीं पता बाबा। लड़की नहीं है, न घर वाले हैं, कुछ पता नहीं कहाँ का है वो सारे लोग। हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? हाथ जोड़ रहा हूँ, आप चुप रहिए। हेलो, बाबा की अगली चाल समझ करके उस लड़की को उसके परिवार समेत दूसरी जगह छिपा लिया ना। मैं तेरी चालाकी का कायल हो गया। लेकिन हाँ, तू एक बात और सुन ले, शादी करने के लिए लड़का भी होना चाहिए ना। अब वो लड़का मेरे पास है, मेरे पास। पापा, मैं बसंत, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं यहाँ जगदम्बा कॉम्प्लेक्स में। तुम यहाँ? पापा राजू बात कीजिए। बाबा जी, वसंत अब मेरे कब्जे में है। कल 9:30 बजे उस लड़के को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस आ जाओ, वरना इस बार वसंत का अंत पक्का है। अब उस राजू को मारना पड़ेगा, उसके साथ सारे लड़कों को मारना पड़ेगा, उसके सारे परिवार को जलाकर राख कर दो। बताइए होगा ना, ये होगा ना? हे मुनीम जी, ये हो पाएगा बाबा ना? तू बताइए होगा ना, होगा ना ये? बता, बता मुझे। होगा होगा। चल रहे सुन अंजलि, 9:30 बजे वहाँ पहुँचना है, तुम जल्दी से साड़ी पहन लो प्लीज अंजलि। इसकी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है सीधे सीधे एक बार में इसकी गर्दन क्यों नहीं दबा देते। सर आप चुप रहिए, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप जिससे चाह रहे हैं उसी से शादी होगी। अंजलि अंजलि, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, जल्दी से साड़ी पहन लो। तो जैसे गुंडे को मैंने भैया कहा वो मेरी गलती थी, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। मुझे एक बार भाई कहा था ना, तो एक बार मेरी बात मानो। समझ में नहीं आता क्या? ना मेरी बात मानिए प्लीज अंजलि, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ प्लीज। ए कहा ना वो नहीं पहनेगी, बाहर निकल, बाहर निकल। पहनेगी? दूर हो जाओ, तुम जाकर जल्दी से साड़ी पहनो, जल्दी जाओ, हट जाओ। हेलो बाबा जी, अभी 8:30 हो गए हैं, ठीक 9:30 बजे लड़के को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस आ जाना, वरना 10 बजे कहानी खत्म। इस बाबा जी के लड़के को मारेगा तो अगर उसके शरीर में खरोच भी आई ना, तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। फालतू बकवास करके टाइम वेस्ट मत कर, इसे छोड़ दे क्या? नहीं, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे शादी के बाद वसंत को छोड़ देंगे। चल, चल, चलो अंदर, चलो, चल। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? हमें अपनी बेटी की शादी नहीं करना तो नहीं करना। सर आप रहने दीजिए, आप नहीं जानते। अंजलि प्लीज, तुम तो बात समझो। शादी के नाम पे किडनैप कर रहे हो, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। चल जल्दी गाड़ी चला। नमस्ते सर, आप दूल्हे हो? हाँ जी सर, अंदर अभी लोगों को आने में टाइम है सर, इसलिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो बता दो, मैं तैयार हूँ। नहीं चाहिए, हम कर लेंगे। मतलब गवाह वगैरह कुछ चाहिए? हमारे पास है। अच्छा, अगर लड़की की उम्र कम हो तो डॉक्टर से सर्टिफिकेट भी अरेंज कर सकता हूँ मैं। नहीं चाहिए भाई, कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। अच्छा सर, नमस्ते सर। आहा, दूल्हे की तरह लग रहे हैं, शादी है सर? सर सारा काम मैं मैनेज कर लेता हूँ सर, सिर्फ 1000 रुपए में। नहीं चाहिए सर, माला ले लीजिए माला। ओए, मैं सेटिंग कर रहा हूँ ना, तो बीच में तू फूल माला लेके क्यों घुस रहा है बे? सर सर, क्या सर, हम लोग बात कर रहे थे, आप बिना बोले यहाँ चले आए। क्या सर आपके साथ कोई नहीं आया है क्या? 1000 रुपए दीजिए सर, गवाह के सिग्नेचर मैं करता हूँ ना आपकी तरफ। नहीं चाहिए सर, सारे सर्टिफिकेट तो है ना, लड़की की उम्र कम हुई तो भी चलेगा सर, मेरे पहचान के एक डॉक्टर है, 500 रुपए में मैटर खलास। नहीं चाहिए। अच्छा सर, मंत्र पढ़ने के लिए पंडित तो चाहिए होगा ना सर, 500 रुपए बहुत सस्ता है सर। पहले निकल यहाँ से। क्या सर अकेले हो इसलिए हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हो, आपकी क्या रनिंग मैरिज है? पहले निकल यहाँ से।
डरा रहा है क्या बे? ओ, निकल बे। डरा दिया, मैं डर गया। तुम्हें बता दूं, मैं इस एरिया का बड़े लाल छोटे सिंह जगत भाई हूँ। मेरे बिना रजिस्टर ऑफिस में तुम कुछ भी नहीं करवा सकते, और अगर कुछ हो गया तो। अच्छा सुनो, शादी तुम्हारी है क्या? मार डालूंगा, चला जा। अरे बाप रे, मना कर दिया ना, मैं चला जाऊंगा। अब इतना क्यों भड़क रहा है? तेरी शक्ल देखकर तुझे कौन प्यार करने वाली है रे? अरे सॉरी सर, सॉरी। भाग जा, हैप्पी मैरिड लाइफ। उठा, जाने दे। वसंत कहाँ है? पहले उस लड़के को यहाँ भेजो, उसके बाद मैं वसंत को छोड़ूंगा। मर्द को अपना वादा पूरा करना चाहिए। मैं अपने वादे के मुताबिक लड़के को यहाँ ले आया हूँ। तू वसंत को यहाँ भेजेगा या नहीं? बाबा जी, आपको आपका लड़का चाहिए या नहीं? इसमें दूल्हे के कपड़े जाकर पहन लो। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जाने दो। जाकर पहन ले। क्या हुआ, भूख लगी है क्या? पानी चाहिए? रोक दो गाड़ी, तुम्हारी साजिश पूरी न हो इसलिए ऊपर वाले ने बारिश कर दी है। हे, रुकेगा तो काट डालूंगा, क्या समझता तू? सीधे चल। सर, आपको बार बार समझा रहा हूँ। शेखर, सबको यहाँ इकट्ठा कर। बेटी, मैं जाता हूँ, हमारी चिंता मत कर, तू भाग। अंजलि, अंजलि भागो मत, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तू ये कुछ नहीं पता, तू चुप कर। चुप रह, नहीं तो मार दूंगा। अंजलि, वहाँ दूल्हा और राजू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो हम क्या करें? वो मरे या जिए, हमें क्या फर्क पड़ता है? उसे मरना पड़ेगा। कैसे बोला तूने ये? कैसे बोला ये? मुंह बंद कर। क्या किया इसने तेरे लिए? क्या किया इसने तेरे लिए? लेकिन अपने राजू ने क्या किया तेरे लिए पता है तुझे? क्या उसे? वो तुम सबसे सच छुपा कर दिल ही दिल में रोता है, रोता रहता है वो। शेखर, कुछ मत। आज सच जानना होगा, जानना होगा, जानना ही होगा सच। उस दिन उसे पुलिस ने पकड़ा, इतना ही जानती है ना तू? उससे पहले क्या हुआ पता है तुझे? पता है? उसे अगर सगाई पर बुलाया तो शादी पर भी बुलाना होगा। अपने काम करते हैं कि राजू नहीं उधर। सर आप जाइए, सर आप यहां से जाइए। सर कहां भाग रहा है तू? जैसे गाड़ी में सर, उन्हें छोड़ दो सर। सर 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 छोड़ दो, मैं पैदल पड़ता हूँ, छोड़ दो सर, सर चल दो सर, उनको छोड़ दो सर। कहां जा रहा तू? चल चल नीचे, रोक। उसने हमारे साहब को मारा, मारे से तुम सब लोगों की इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी जान की बाती तक लगा दी। तुम्हें सच पता चले तो तुम्हें दुख होगा, इसलिए उसने हम सबके मुंह भी बंद कर दिए।
उस दिन जब हम उसे लेकर तुम्हारे घर आए थे उसी दिन तुम्हारे पिताजी ने फांसी लगा दी थी। जाने वाले के लिए गंदा नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए हम सब सच को पी कर रह गए थे। आज भी उसने तुम्हारी शादी तुम्हारी खुशी के लिए अपने करीबी बाबा जी से दुश्मनी मोल ले ली है। अब बोलो किसे मरना चाहिए, मरना चाहिए राजू को? राजू चलिए भाई चलिए। हाँ ठीक है भाई, और इसको आज मरना है भाई, और इसको छोड़ देंगे, इसकी गर्दन काट देंगे, इसकी गर्दन काट कर कब्र को खिला देंगे। चलिए भाई चलिए, एरिया में आकर भाई आपने भाई ने भाई छोड़ दिया ना, चलिए अबे हॉकी लेके आ जा जल्दी। बाबूजी से। बसंत कहां से बोल रहा है रे तू? हेलो राजू, बाबा जी के डर से मैंने बसंत को छोड़ दिया है। तू भी वहां से भाग जा भाई, तू भी वहां से भाग जा। जिसकी मौत आती है ना वही मुझसे दुश्मनी करता है। क्या कहा था? तू वसंत को मारेगा, उसी के हाथ से तेरी लाश जलवाऊंगा। टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। राजू ने ऐसा क्यों किया था तुझे पता है? मुझे पता है, अंजलि की वजह से। अंजलि से वो प्यार करता है, वो एक दूसरे को चाहते हैं। हाँ एक जरूरी काम पर हूँ, एक कुत्ते को पाला था वो मुझे ही काटने लगा था, इसीलिए उसकी अकल ठिकाने लगा रहा हूँ। बाद में बात करूंगा, ए सूरत इसे टुकड़े टुकड़े कर दे जाओ। ए सूरज बहुत दर्द हो रहा है यार, जल्दी मार देना, मार देना। देख क्या रहा है वहां, मार साले को चाकू, उसकी आंतें काट काट कर बाहर निकल। मुझसे नहीं होगा बाबा जी। क्या रही है, है? तू कह रहा कि तू इसे नहीं मार सकता है, है? नहीं मार सकता तू इसे? 9 लोगों का खून किया है तूने, 9 लोगों का खून,
और 8 साल से तू मेरा नमक खा रहा है और नहीं मार सकता तू इसे, हैं? नहीं मार सकता? तू इसे नहीं मार सकता है ना? राजू, 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 अंजलि, राजू तुम नहीं सकती हो क्या? अंजलि मुझे मत देखो, मैंने गलती की है, मुझे मत देख अंजलि, तुमने कोई गलती नहीं की, गलती थी तो मेरी थी, तुमने बस मुझे प्यार करने की गलती की थी, राजू, तू अंजलि से प्यार करता था? इसने ये क्या किया रे? ए राजू, तूने मुझे क्यों नहीं बताया तू अंजलि से प्यार करता है? ये बात पहले पता चल गई होती तो इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता। मैं तुम्हारी शादी करवाता रे। आया है देखो फिर से मौका खुशी वाला, अरे आ गया है फिर से देखो दोस्त अपना दिल वाला, दोस्त अपना दिल वाला। राजा रानी की है शादी नाचो रे, हाँ खुशी मनाओ आज सारे झूमो रे। शादी है भाई शादी है यार की मेरे शादी है, शादी है भाई शादी है यार की मेरे शादी है। राजा रानी की है शादी नाचो रे। बाबा जी फोन। हेलो बाबा जी, बोल रहा हूँ। हाँ बोल। हाँ करूँगा ना, मैंने कहा ना मैं देख लूँगा, तुम टेंशन मत लो, बेस्ट ऑफ लक, सब अच्छा ही होगा। राजा रानी की है शादी नाचो रे, हाँ खुशी मनाओ आज सारे झूमो रे, झूमो रे, झूमो रे। Now, I just started to more day.